बहुत से नए सेलर को अमेजोन पर सिंगल लिस्टिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है और उन्हें एरर फेस हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अमेजोन पर सिंगल लिस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप। और साथ में मैं इस वीडियो में आपको GTN अप्रूवल के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप GTN अप्रूवल के बारे में ऑलरेडी जानते हैं या आपने लिया हुआ है ऑलरेडी GTN अप्रूवल, तो आप 12 मिनट पर वीडियो स्किप कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त, हम करेंगे अमेजोन पर सिंगल लिस्टिंग। देखते हैं अमेजोन पर सिंगल लिस्टिंग किस तरीके से होती है। अगर आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवा रखी है, फिर GTN अप्रूवल ले रखा है, या फिर आपके पास ब्रांड नहीं है कोई भी, आपने GTN अप्रूवल भी नहीं ले रखा है, तो आप जेनरिक में सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। जेनरिक में कैसे सेल करते हैं मैं आपको पहले हल्का सा वो बता देता हूँ जेनरिक में किस तरीके से करना है। देखिए, हमें कैटलॉग में जाके सबसे पहले एड प्रोडक्ट्स में जाना है। एड प्रोडक्ट्स में जाके आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे एड प्रोडक्ट में आके GTN एग्जामिनेशन स्टेटस पर, जब चेक योर स्टेटस हेयर पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि आपको किस किस ब्रांड में अप्रूवल मिला हुआ है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक ये ऑनलाइन लोट स्टोर ब्रांड है, इसमें मैंने GTN अप्रूवल ले रखा है। फिर एक ये डेड लुक्स प्रीमियम क्लोथिंग है, इसमें भी ले रखा है मैंने, और नीचे भी इसमें भी ले रखा है, मतलब और ब्रांड रजिस्ट्री भी करवा रखी है मैंने। लेकिन मैंने सारे ब्रांड अप्रूवल देखे यहाँ पर क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज़ में ले रखे हैं, तो मैं सिर्फ इसी वर्टिकल में इसी कैटेगरी में लिस्टिंग कर सकता हूँ। तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसमें ले लीजिए। अगर आपके पास ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है, ब्रांड नहीं है आपकी अपनी, GTN अप्रूवल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप जेनरिक में उसे एज अ नॉन ब्रांडेड सेल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं लगता, मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ GTN लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लर्न मोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट ID UPC ASIN। आपको UPC चाहिए होते हैं प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप यहाँ से GTN अप्रूवल ले लेंगे, चाहे वो जेनरिक में लिया हो, चाहे किसी ब्रांड का लिया हो आपने, या अपने पर्सनल ब्रांड बना के लिया हो, तो अगर आपने GTN ले लिया फिर आपको इन कोड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ऑनलाइन परचेस करने पड़ते हैं, आपको ईजिली कहीं भी मिल जाते हैं वाले। तो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कि आप यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं अपने नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट फ्री में लिस्ट। आपको यहाँ पर यूपीसी कोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ी, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिक्वेस्ट अप्रूवल, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ दैट यू नो हाउ टू अप्लाई फॉर GTN एग्जामिनेशन, क्लिक ऑन द रिक्वेस्ट अप्रूवल लिंक बिलो एंड गेट स्टार्टेड। वी विल रिव्यू एंड अपडेट योर रिक्वेस्ट स्टेटस इन 48 आवर्स, मतलब ये 2 दिन में लगभग ये अप्रूव, वहाँ से स्टेटस हमारा अप्रूव कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे, जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ये बोल रहे हैं। हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट अप्रूवल पर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। देखिए न्यू टैब ओपन होगी, अप्लाई फॉर GTN एग्जामिनेशन। यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, अपनी ब्रांड नेम देना है जिसमें हम लेना चाहते हैं। एग्जांपल मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे आपने किसी ब्रांड में लिया, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एंजल ब्यूटी में आपने यहाँ पर लिया, और एंजल ब्यूटी में जैसे आपने GTN के लिए अप्लाई किया वो आपका रिजेक्ट हो गया, तो आपको करना क्या है, जेनरिक में लिस्ट करना है। फिर आपके पास ये देखिए यहाँ पर जेनरिक आ गया, क्योंकि जेनरिक में फिर कभी भी आपका ये रिजेक्ट नहीं होगा। आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, आपने GTN के लिए ट्राई किया वो आप नहीं ले पाए। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई कीजिए GTN के लिए, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपने देख ली होगी शायद, ये फिर आप आगे देखने वाले हैं GTN अप्रूवल कैसे लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, आपका नाम यहाँ पर अप्लाई है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर XYZ आपका नाम यहाँ पर, आपके ब्रांड का नाम ये आ गया XYZ, आपके ब्रांड का नाम आ चुका है यहाँ पर। अब आप इसके अगर फैशन लगा लेते हैं, आप XYZ फैशन आपके ब्रांड का नाम है, लेकिन आपने इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवा रखा और किसी और ने भी नहीं करवा रखा, तो आप इसमें सेल करना चाहते हैं। अब जब आप इसमें डाल रहे हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, अभी तो अमेजोन की बात कर रहे हैं, पे अगर आप अमेजोन पे नाम दे रहे हैं तो वो अप्रूवल के लिए मांग रहा है। जैसे मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ आपको XYZ, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, शायद इसके अंदर ये ऑलरेडी अप्रूवल दिखा दे, चेक फॉर एलिजिबिलिटी। देखिए इसमें तो सेल कर सकते हैं XYZ में। मैं दूसरा नाम यहाँ पर कोई एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, जैसे कि रियल फर्स्ट में ले लेता हूँ, रियल फर्स्ट करके सेल फोन एंड एसेसरीज पर क्लिक करके चेक फॉर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करूँगा मैं। मेरी इस वाले में भी दिखा रहा है, शायद आपके में ना दिखाइए क्योंकि सब में ऐसा नहीं दिखाता ये, लेकिन यहाँ दिखा रहा है। एक बार और दूसरा नाम ट्राई करते हैं, ये ले लेते हैं, और कुछ ऐसे कैटेगरी लेते हैं जिसमें ये हमें ना दिखाए। मैं होम एंड गार्डन ले लेते हैं एक बार, चेक फॉर इसमें भी दिखा रहा है, तो इसमें तो सब में दिखा रहा है। मैं एक मिनट अकाउंट चेंज कर लेता हूँ, ये डेड लुक्स हमारा अकाउंट है शायद, इस वजह से इसमें दिखा रहा हो। मैं यहाँ पे एक ये अकाउंट है ऑफलाइन एंटरप्राइजेस, इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इसमें जाएंगे हम ऐड प्रोडक्ट में, ये आ गए हम ऐड प्रोडक्ट में, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर व्हाट इज़ GTN पे क्लिक करके सेम प्रोसेस है वही, और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे रिक्वेस्ट अप्रूवल, यहाँ पर आ गए हम, वही टैब ओपन होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, रियल फास्ट लेके, रियल फास्ट लेने के बाद सेल फोन एक्सेसरीज पर क्लिक करेंगे,
और चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। देखिए इस पे भी दिखा रहा है, लेकिन बहुत सी ब्रांड ऐसी होती हैं जिन पर नहीं दिखाता। एक बार हम ट्राई करते हैं इसे, जस्ट वेट, एक लास्ट ट्राई करते हैं इस पे, शायद ना दिखाए। और हम यहाँ पे होम एंड गार्डन लेंगे और यहाँ पे चेक फॉर एलिजिबिलिटी, ये भी हो रहा है। तो हम वापस उसी अकाउंट पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब में दिखा रहा है कि मैं सब में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन शायद आपके पे बहुत सारी पर ना दिखाया। आपने ट्राई किया होगा इधर, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइटों पर नहीं दिखाता। मैंने यहाँ से काफ़ी अप्रूवल ले रखे हैं, शायद इस वजह से मुझे दिखा रहा हो ये। तो मैं यहाँ से अपना वापस अकाउंट खोल लेता हूँ ड्रेडलुक्स का, और वहीं जाता हूँ एड प्रोडक्ट में। एड प्रोडक्ट में जाने के बाद GTN पे जाएंगे, GTN पे जाने के हम सेम प्रोसेस रिक्वेस्ट अप्रूवल। यहाँ से एक बार हम कोई सा ब्रांड ले लेते हैं, जैसे कि सानवे इंटकॉम हम ले लेते हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांड करके यहाँ पे हम जाएंगे होम एंड गार्डन एक बार से सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा अप्लाई फॉर एलिजिबल समरी यहाँ पर राइट टिक आ रहा है स्टेटस, मतलब अभी मैं यहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकता। अभी कह रहे हैं नोट, एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड फॉर ब्रांड एंड कैटेगरी, यू विल बी एबल टू एड एज मैनी ऑफ योर प्रोडक्ट ऑन Amazon without applying for GTN again for that brand and category। देखिए यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है, नोट एग्जामिनेशन इज प्रोवाइडेड फॉर ब्रांड एंड कैटेगरी, यू विल एबल टू एड एज मैनी ऑफ योर प्रोडक्ट ऑन Amazon without applying for examination again for that brand and category। मतलब अगर आप एक बार इस कैटेगरी में, ये जो होम एंड गार्डन की कैटेगरी है, आप इसमें एक बार इस ब्रांड नाम से Sanvent.coms के नाम से अप्लाई यहाँ पर करोगे और वो अप्रूव हो गया, तो आपको फिर हमेशा बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहो, जब तक आपका अमेज़ॉन अकाउंट है, जब तक आप उस पर सेल कर रहे हो, तो आप सेल कर सकते हो बिना बार बार इसमें अप्लाई किए एग्जामिनेशन में। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन फॉर दिस ब्रांड कैटेगरी, डू नॉट हैव अप्लाई फॉर दिस अगेन। मतलब कह रहे हैं अगर आपने अप्लाई कर दिया हो तो आप दोबारा अप्लाई मत करो, यहाँ पे स्टेटस चेक कर लो। लेकिन हमने इस ब्रांड के लिए भी अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पे ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अभी आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास सब पे यहाँ पर राइट टिक आ रहा है। अगर आपके पे ऐसा नहीं आ रहा, अगर आपके पे लिखवा रहा है ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड लिखवा रहा है आपको, तो आपको सेलर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करना है। फिर ये बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है आपको, यहाँ पर जाना है। इसके बाद यहाँ पर जाने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको पता होगा किस तरीके से करना है, नीड मोर हेल्प में जाके यहाँ पे गेट सपोर्ट पे कॉल करनी है उन्हें। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये पेज खोल लेता हूँ मैं, आप वापस इसी पेज पे चला जाता हूँ। मैंने न्यू पेज ओपन कर लिया यहाँ से कंट्रोल दबा के, फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको दिखा कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग ऑन अमेज़ॉन पर क्लिक करना है, और यहाँ पे और ब्राउज फॉर योर इशू इन द मेनू पर क्लिक करना है। यहाँ पे योर अकाउंट पर सेलेक्ट करना है, इसे यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ पे योर अकाउंट पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अदर अकाउंट इशू पे सेलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे आ गए, यहाँ से लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज सिर्फ इसकी है, वो नहीं है, आप जिससे आप फ़ोन पे बात करेंगे वो तो हिंदी लैंग्वेज होगी। ये लैंग्वेज डैशबोर्ड की लैंग्वेज बता रहे हैं, ये देखिए आ गई। तो आप इसे इंग्लिश रहने दीजिए, कॉल पर वो आपसे हिंदी पर बात करेंगे, और यहाँ पर फ़ोन पर आ जाएंगे हम। फ़ोन पे आने के बाद यहाँ अपना नंबर दे देना है, जो जिस पे हमें कॉल कर सकें वो। जैसे आप यहाँ पे अपना नंबर देंगे, तो आप यहाँ पे कॉल मी नाउ पे आपको क्लिक करना है, तो वो हैंड टू हैंड, जैसे मैं आपको यहाँ पे नंबर देता हूँ, देखिए 8130758438, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख देना जो इशू है हमारा, जैसे GTN अप्रूवल यहाँ पे हमारा इशू है, तो वो लिख देंगे हम GTN अप्रूवल। बस यहाँ पे ये लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉल मी नाउ पे क्लिक करेंगे, लेकिन कॉल मी नाउ का देखिए अभी डिसेबल है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि रात को देखिए 12:30 बजे हैं, तो इनकी कॉल टाइमिंग ये नहीं है, सुबह 9 से रात 9 तक आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, तो इस टाइम पे आप नहीं कीजिए कॉल इन्हें। तो आप इन्हें जैसे कॉल मी नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास कॉल आ जाएगी, इस पर आप कनेक्ट होकर इन्हें बताइए कि मैं इसमें ब्रांड अप्रूवल के लिए यहाँ पर GTN एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस पर मुझे ब्रांड अप्रूवल मांग रहा है। तो फिर वो आपसे क्या कहेंगे, आपसे वो आपके प्रोडक्ट की फिर पैकेजिंग की इमेज मांगेंगे। किस तरीके की इमेज, जिस पर आपकी ये Sanvent.com जो आपने नाम दिया है वहाँ पर, उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए फिक्स, वहाँ पर होनी चाहिए ब्रांडिंग फिक्स। मतलब आप उसे हटा ना सको, आपके कोई भी उसे हटा ना सके, या तो वो फटेगी डायरेक्ट, जैसे कपड़े में लेबल सिला हुआ होता है वो हट नहीं सकता ईजिली, या फिर कोई बॉक्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर प्रिंटेड होता है नाम, शूज़ के बॉक्स होते हैं या फिर किसी अलग अलग तरीके के कंपनी के ब्रांड्स के बॉक्स आते हैं, उन पर प्रिंटेड होता है उनका ब्रांड नाम। तो इस तरीके की आपसे पैकेजिंग मांगेंगे, जब वो आपको अप्रूवल देंगे,
तो आप कुछ इस तरीके से रेडी करके रखिए अगर आप ऐसे अप्लाई करने वाले हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको ये बताते हैं यहाँ से, जैसे आपने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कैटेगरी ले ली, मैं यहाँ पे क्लोथिंग ही ले लेता हूँ और यहाँ पे असाइनमेंट को हम ले लिया, चेक फॉर एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। तो जब आप उन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे, ब्रांड अपनी ब्रांडिंग वगैरह बॉक्स वॉक्स पे सेलर सपोर्ट को, तो आपके पास भी ऐसा राइट टिक आ जाएगा। पहले आपके पास क्या आ रहा था, अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल, लेकिन आपने जब यहाँ पे अप्लाई कर दिया, आप उन्होंने अप्रूव कर लिया, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, आप जब भी लिस्ट नहीं कर सकते, आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ से अप्रूवल लेना है, यहाँ से स्टेटस मतलब आप अप्लाई कर सकते हो अब, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का नाम देना है, एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम एस फैशंस मैन कुर्ता पजामा, ये हमने ले लिया यहाँ पे। और अपने प्रोडक्ट की तीन इमेजेस देनी है, मैं फ्रंट में कोई सी भी आप दे सकते हैं, तीन अपने प्रोडक्ट की इमेज देनी है यहाँ पे, बस सबमिट रिक्वेस्ट पे करना है। आपके 5 या 10 मिनट लगेंगे, आप अपने फिर आपका यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा, GTIN आपका यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 3-4 घंटे के बाद आप लिस्टिंग कर सकते हैं, ये आपको 24 घंटे का टाइम देते हैं, 24 घंटे के बाद कीजिए, लेकिन आप 3-4 घंटे के बाद यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको यही दिखा रहा था बस। अब मैं इसमें आपको, अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आपको क्या करना है, जेनरिक में ले लेना है आपको, यहाँ पे जेनरिक में आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आप क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज पे जाएंगे, चेक फॉर एलिजिबिलिटी पे ये आ गए देखिए, और यहाँ पे अप्रूव्ड ब्रांड, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू लिस्ट प्रोडक्ट इन दिस ब्रांड एंड कैटेगरी, यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग प्रोडक्ट आफ्टर 30 मिनट्स। देखिए यहाँ पे अप्रूव, ये जेनरिक में आपके पास भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से आएगा, आपको ना कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत ना कुछ करने की ज़रूरत, आपको डायरेक्ट अप्रूव कर लिया जाएगा जेनरिक में, क्योंकि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कोई भी सेल कर सकता है एज अ जेनरिक, लेकिन किसी का ब्रांड नेम यूज़ ना करें, ना इमेज में वो और ना ही यहाँ पर टाइटल वगैरह में। तो आपके पास भी इस तरीके से आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जेनरिक में। ये थोड़ी वीडियो इसी में लंबी हो गई आपको बताने में, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क है आप ब्रांड रजिस्ट्री से कर सकते हैं, आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है आप GTIN ले सकते हैं, आपके पास GTIN आपने अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर आप इस तरीके से जेनरिक में प्रोडक्ट यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूँ GTIN अप्रूवल, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक GTIN अप्रूवल जिससे ले, मैंने 2-3 ब्रांड के ले रखा है यहाँ पे, तो मैं इससे आपको एक डेमो की सिंगल लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि सिंगल लिस्टिंग किस तरीके से होती है। ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे और मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ दिखा दिया कि मैंने वो GTIN अप्रूवल ले रखा था, इसलिए मैं आपको जेनरिक में करके नहीं दिखा रहा, मैं GTIN अप्रूवल वाली से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब हम यहाँ पर क्लिक करके कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो देखिए यही पेज ओपन हो जाएगा जिस पर अभी हम हैं, यही पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पर हमें क्या करना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए, एग्जांपल के लिए जैसे मैं एक टी शर्ट सेल कर रहा हूँ या फिर शर्ट सेल कर रहा हूँ, एक शर्ट है मेरे पास जिसका मेरे पास सिर्फ मीडियम साइज़ है, ना उसमें कलर्स हैं ना उसके अंदर और साइज़ है, एक ही साइज़ है सिंगल साइज़ मीडियम ब्लू कलर की टी शर्ट, तो इस पर मैं आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पर क्लिक करूँगा, मतलब सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो गई ये वाली। और अगर मेरे पास उसमें कलर्स हैं या फिर साइज़ वगैरह 2-3 साइज़ हैं उस शर्ट में या फिर उसमें 1-2 कलर और हैं, तो वो बल्क लिस्टिंग होगी, वेरिएशन आ जाएंगे उसके अंदर। फिर उसमें हम आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू एड मल्टीपल प्रोडक्ट, आपने इसकी वीडियो देख ली होगी मेरी अमेजोन की, किस तरीके से आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं, फिर आप आगे देखने वाले हैं आप देख लीजिएगा किस तरीके से बल्क लिस्टिंग करते हैं, फ्लैट फाइल के थ्रू इसमें लिस्टिंग होती है, आपने वो वीडियो देख ली होगी, आप देख लेंगे आगे भी किस तरीके से आप लिस्टिंग कर सकते हैं इसमें। अभी इस वाली वीडियो में हम करेंगे एड अ सिंगल लिस्टिंग, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी, सबसे पहले हमें कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अपने प्रोडक्ट की, आप यहाँ पे ब्राउज करके भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी कैटेगरी है, यहाँ पर ये आ चुके हैं देखिए, जिन पे लॉक लगा हुआ है इसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा। देखिए यहाँ पे हाउ डू आई अप्लाई टू सेल डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, वाई डू वी रिक्वायर अप्रूवल टू सेल सर्टन कैटेगरीज प्रोडक्ट टाइप्स ऑन अमेजोन, यहाँ पे हमें अप्रूवल लेना होगा इनके, तो हमारे पास ऐसे कोई म्यूज़िक वगैरह के प्रोडक्ट है नहीं जिनमें अप्रूवल लेना हो, गिफ्ट कार्ड्स वगैरह हो गए और ये म्यूज़िक हो गया, हम यहाँ पर क्लोथिंग की करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर क्लोथिंग में जाके बाय डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैन में जाएंगे, मैन में जाने के बाद यहाँ पर आप शर्ट्स आ गए, देखिए ये आ गई हमारी शर्ट्स, इसमें हम लिस्टिंग करने वाले हैं, यहाँ पर फॉर्मल शर्ट्स हैं या कैजुअल शर्ट्स है, ड्रेस शर्ट्स है, अदर शर्ट है, जो भी आप यहाँ पर, मैं फॉर्मल शर्ट्स करने वाला हूँ या कैजुअल जो भी है मेरी, जैसे मैं यहाँ कैजुअल करने वाला हूँ तो मैं कैजुअल सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा लिस्टिंग का डायरेक्ट। अगर आपको ऐसे अपनी कैटेगरी नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूँगा शर्ट, तो ये सर्च करने पर बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आ जाएगी सबसे ऊपर, देखिए कैजुअल शर्ट यहाँ पे आ चुकी है, प्रोडक्ट टाइप शर्ट्स मैन शर्ट्स कैजुअल शर्ट, यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी कर लेंगे आप, सेम पेज ओपन हो जाएगा जो भी हुआ था मैंने आपको दिखाया था,
बाय डिफ़ॉल्ट करके ये आ चुका है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कंपलसरी है, बता दो कौन सी कंपलसरी कौन सी नहीं, किस में क्या भरना है, वन बाय वन इसे पूरी फिल करेंगे डिटेल में काफ़ी। अब इस पर एडवांस व्यू पे हम पहले ही क्लिक कर लेंगे, क्योंकि ये चार यहाँ पे आप देख रहे हैं टैब है, लेकिन ये चार ही काफ़ी नहीं है इसमें, अभी और भी इन्फॉर्मेशन हमें देनी है इसके अंदर। सर्च कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन वगैरह का यहाँ पे हमें कहीं पे भी ऑप्शन अभी नहीं दिखेगा, तो हमें वो भी लेके आना है यहाँ पे। वो भी कैसे लेके आएंगे हम यहाँ पे एडवांस व्यू पे क्लिक करने के बाद, देखिए आ गया डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ही आ गया, कीवर्ड्स यहाँ पे ही आ गए और मोर डिटेल्स यहाँ पे ही आ गई। तो जो भी हमारी मैन मैन इन्फॉर्मेशन है वो हम सबसे पहले फिल कर लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले वाइटल इन्फॉर्मेशन में हम जाएंगे प्रोडक्ट आईडी पे। प्रोडक्ट आईडी जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर आपके पास ब्रांड है, आपने ब्रांड रजिस्ट्री करवा रखी है, आपको ही फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपने GTN अप्रूवल ले रखा है तो आपको ही फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ना आपने GTN ले रखा किसी ब्रांड का, ना आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है इस अमेज़ोन की, तो आपको क्या करना होगा, जेनरिक में ले जाना होगा अपना प्रोडक्ट। जेनरिक में आपको लिस्ट करना होगा जैसा मैंने आपको बताया। जेनरिक में लिस्ट करने के बाद आप यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी पर GTN सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रांड नेम में आप जेनरिक डालेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर अप्रूवल ले रखा है GTN अप्रूवल, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रांड नेम फिल कर दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, डेडलुक्स प्रीमियम क्लोथिंग है वैसे तो, लेकिन मैं एक ब्रांड दूसरी भी ले रखी है मैंने यहाँ पे, या मैं जेनरिक में तो कोई भी कर लेगा। मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ, ऑनलाइन लोट स्टोर। अगर आपका जेनरिक है बिल्कुल सेम प्रोसेस होने वाला है, कोई भी नहीं होने वाला। आपने ब्रांड रजिस्टर करवा रखी है, GTN ले रखा है, कुछ मैटर नहीं करता, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। आप इसी स्टेप को फॉलो कीजिए और कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, बस आपकी प्रोडक्ट लगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी अलग हो सकती है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए काफ़ी कॉलर स्टाइल आ रहा है, नेक स्टाइल आ रहा है, पैटर्न आ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन, यूनिट काउंट, तो इस तरीके से आपका थोड़ा डाटाबेस चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग है, आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग है, मेरे प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग है, तो ये हो सकता है। अगर आप शर्ट की कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम रहने वाला, लेकिन आप लोअर की कर रहे हैं, पैंट्स की कर रहे हैं, फिर ब्लेजर हो गया, कोई अदर आइटम हो, किचन आइटम हो गया, होम एंड गार्डन में कुछ हो गया, तो सब कुछ वो चेंज होने वाला है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो आपको ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पर ब्रांड नेम में आपने जिसका आप GTN लिया है वो यहाँ पर आप नेम फिल कर देंगे, चाहे वो जेनरिक हो। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी में जाके यहाँ पर GTN सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए ये रहा, तो हमारा सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी वाला इशू रिजोल्व हो गया, जो सबसे मेन था। अब यहाँ पर हमें आइटम नेम फिल कर देना है, हमारे प्रोडक्ट का नाम जो हम रखना चाहते हैं, प्रोडक्ट टाइटल नेम बोल सकते हैं आप इसे। तो हम यहाँ पे अपना टाइटल नेम जल्दी से फिल कर देंगे। मैं टाइटल नेम डाल दूंगा मेंस, मैं यहाँ पे ब्रांड का नाम भी ले लेता हूँ, ऑनलाइन लूट स्टोर मेंस चेक्ड स्लिम फिट कैजुअल शर्ट। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा टाइटल लिख दिया है। आप इसके अंदर साइज़ भी लिख सकते हैं, चाहे कलर भी लिख सकते हैं, कलर लिखना चाहें तो। यहाँ जैसे मैं कलर लिख लेता हूँ, कलर टील ब्लू, या टील हटा दें, सिर्फ ब्लू रहने देता हूँ मैं, क्योंकि मैं ब्लू कलर की लिस्टिंग यहाँ पे शर्ट की करने वाला हूँ। मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊँगा उसमें, कलर ब्लू। और यहाँ पर साइज़ मैं लिख दूँगा, साइज़ के लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे। मेरा कीबोर्ड के ब्रैकेट थोड़े काम नहीं कर रहे, इसलिए मैं गूगल से उन्हें कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ब्रैकेट इन्हें बोलते हैं। देखिए आप ही ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओहो ब्रैकेट यहाँ से कॉपी नहीं हुए, दोबारा से कर लेंगे। XYZ जो पहले हमने कॉपी कर रखा था वही कॉपी हो गया, पेस्ट, यहाँ पर ब्रैकेट आ गया। यहाँ पर साइज़ में लिख दूँगा मीडियम, देखिए ये आ गया हमारा सही। अब दूसरा वाला ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे, ये आ गया, तो ये हमारा परफेक्ट टाइटल हो गया। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन लूट स्टोर हमारी ब्रांड का नाम आ गया, ऑनलाइन लूट स्टोर मैन चेक स्लिम फिट कैजुअल शर्ट कलर ब्लू साइज मीडियम। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइटल मुझे लग रहा है। आप इस तरीके से अपना टाइटल रख सकते हैं। अगर आपने GTN अप्रूवल ले रखा है तभी ब्रांड नेम यूज़ कीजिए, वरना ब्रांड नेम यूज़ मत कीजिए, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, हो सकता है आपकी लिस्टिंग में भी एरर आ जाए। तो इसलिए इसे आप वही ब्रांड नेम यूज़ कीजिए जो आपने अप्रूवल ले रखा है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम फिल किया, मैंने इसका GTN अप्रूवल ले रखा है ऑनलाइन लूट स्टोर का, ठीक है। आपने जेनरिक कर रखा है तो आप जेनरिक तो लिखिए मत इसमें टाइटल में, बेकार। अगर आप जेनरिक में लिस्ट कर रहे हैं तो आप जेनरिक मत लिखिए। अब उसके बाद हमें यहाँ पे मैनुफैक्चर पार्ट नंबर देना है। मैनुफैक्चर पार्ट नंबर अभी ब्लैंक रहने देंगे, मैं आगे बताऊंगा आपको इसमें क्या फिल करना है। यहाँ पे स्टाइल नेम हमें देना है, स्टाइल नेम क्या है इसका, स्टाइल नेम क्या है इसका, स्टाइल नेम तो इसका मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरी शर्ट है नहीं, मेरी वर्टिकल है नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ डेमो लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ ये वाली। तो मैं यहाँ पे कैजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं है स्टाइल नेम क्या है, इसलिए मैंने यहाँ से एक कैजुअल ले लिया। यहाँ से
मैं आपको पहले अपना प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट क्या है देखिए, यहाँ पर शर्ट्स में आएंगे, ये वाली शर्ट्स मैंने इमेज ऐसी कॉपी की है कहीं से, तो मैं आपको डेमो लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, सक्सेसफुल लिस्टिंग, आप अमेज़ॉन पर किस तरीके से सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं। देखिए ये वाली शर्ट है जिसकी मैं आपको लिस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, मैंने इमेजेस ही कहीं से कॉपी की हैं, तो मेरी इमेजेस नहीं है ये, आपको सिर्फ मैं लिस्टिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से लिस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए वापस इस पर प्रोडक्ट पेज पर चलते हैं अपने। अब यहाँ पर जेंडर लेना है, जेंडर तो हम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर पता है, और यहाँ पर फिटिंग टाइप यहाँ पर स्लिम फिट ले लेंगे, स्लिम फिट लग रही है क्योंकि वो देखने में वैसे तो रेगुलर फिट लग रही है, लेकिन स्लिम फिट रहने देते हैं इसे यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री ऑफ इंडिया में सेलेक्ट करना है, इंडिया के अलावा अगर हम कोई सेलेक्ट करेंगे तो फिर हमें आगे इसका सप्लायर डिटेल्स भी हमें देनी होंगी जो हमारे पास होगी नहीं, तो इसलिए हमें इंडिया ले लेना है, इंडिया लेंगे तो हमें सप्लायर डिटेल्स नहीं देनी होंगी। यूनिट काउंट में हमें दे देना कितने, मतलब यूनिट आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, प्रोवाइड द नंबर ऑफ यूनिट इन द प्रोडक्ट, यहाँ पे सिर्फ एक ही शर्ट है तो वन डाल देंगे, यहाँ पे यूनिट काउंट टाइप यहाँ पे लिख देंगे, काउंट मतलब किस तरीके से काउंट हो रहा है, जो कुछ चीज़ें होती हैं ग्राम में होती है, मेहंदी वगैरह हो गई, दाल या चीनी हो गई, तो वो ग्राम में होती हैं, जैसे एक या तो एक तो कम हो गया, जैसे ये हो गया 100 ग्राम हो गया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे एक लिखा हमने तो ये नीचे 1 kg सेलेक्ट कर लेते हैं नीचे ग्राम की जगह पे हम, तो इस तरीके से यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे फोट वगैरह हो गया, पाउंड हो गया, आउंस हो गया, तो यहाँ पे हम काउंट टाइप में कर रहे हैं, यहाँ पे येरा गिनती में एक शर्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें देनी है, हैंड वॉश, मशीन वॉश, ड्राई क्लीन, जो भी है हैंड वॉश ओनली, तो यहाँ पे हमारा मशीन वॉश है, नॉर्मली मशीन से वॉश कर सकते हैं शर्ट वगैरह, हैंड वॉश भी कर सकते हैं वैसे तो। यहाँ पे ओकेशन डिस्क्रिप्शन, ओकेशन का डिस्क्रिप्शन देना है यहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ इसे पहन सकते हैं, तो हम यहाँ पे कैजुअल में पहन सकते हैं इसे, ऐड मोर पर क्लिक करूँगा मैं, और भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इसे, हम इवनिंग में भी पहन सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मल में पहन सकते हैं इसे, स्पोर्ट्स में आई थिंक ये नहीं चलेगी, बहुत लोग पहन भी लेते हैं, पहनना चाहे तो कोई इशू नहीं है, पर सेरेमनी में यहाँ पर कोई भी पहन सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर तीन चार यहाँ सेलेक्ट कर लिए मैंने, और भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से आप ओकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं अपना वन बाय वन। अब उसके बाद हम यहाँ पर मटेरियल कंपोजिशन, मतलब इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ हुआ है, मटेरियल यहाँ पे हम कॉटन लिख देते हैं, 100% कॉटन यहाँ पर फिल कर देते हैं हम, जैसे इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है, पहले देखिए यहाँ पर 80% लिखा है, उसके बाद कॉटन, फिर 20% पॉलिस्टर, अगर मिक्स है तो इस तरीके से लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर 100% ही डाल देता हूँ फिलहाल, यहाँ पर 100% कॉटन, यह मैं थोड़ा हार्ड कर लेता हूँ इसे ताकि आपको कोई इशू ना आए अगर आपके दो तरीके के हैं, क्योंकि मैं अगर एक कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा वो 100%, तो मैं इसे दो में बांट देता हूँ, 80% कॉटन एंड 20% मैं ले लेता हूँ पॉलिस्टर, ये थोड़ा आपके लिए भी ठीक रहेगा, पॉलिस्टर यहाँ पे ठीक है, पॉलिस्टर की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलर स्टाइल यहाँ पर पूछ रहा है मुझे किस टाइप का यहाँ पर कॉलर है, तो कॉलर स्टाइल यहाँ से जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए अपना, मैं यहाँ से क्लासिक कॉलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, राउंड कॉलर भी ले सकते हैं, वैसे क्लासिक ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्लासिक कॉलर है, वैसे तो राउंड बोलते हैं उसे, मुझे इस शर्ट के डिज़ाइन में इसलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि ये मेरा वर्टिकल नहीं है, अगर मेरा वर्टिकल होता तो इसमें ज़्यादा मुझे सेलेक्ट करने में आ गया हमारा राउंड कॉलर, ज़्यादा सेलेक्ट करने में इशू नहीं होता। यहाँ पर नेक स्टाइल ले लेना, यहाँ पर नेक किस टाइप के, यहाँ पर राउंड नेक है, वी नेक है, हैंड ले, यहाँ पर बटन फ्रंट है, कॉलर्ड है, यहाँ पर कॉलर ले लेते हैं ये आ गया, एंड यहाँ पर पैटर्न लेना है, स्ट्रिप्ट है, कार्टून है, इसका पैटर्न आई थिंक चेक्ड पैटर्न है हमारा, चेक शर्ट है तो यहाँ पे चेक ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइज़ आ गया हमारा, साइज़ हमें कौन सा डालना है, पर मैं जैसे कि आपको बताया एक ही साइज़ लिस्ट करने वाला हूँ तो मैं बस सिर्फ मीडियम साइज़ ले लूँगा, ये आ गया मीडियम साइज़। उसके बाद यहाँ पर साइज़ मैप में सेम वही मीडियम साइज़ हमें लेना है दोबारा से, एम ये आ गया मीडियम साइज़। यहाँ पे स्लीव टाइप ले लेना है, मैं स्लीव किस टाइप की, फुल स्लीव है तो फुल स्लीव ले लेंगे इसे। उसके बाद यहाँ पे कलर आ गया, कलर हमें यहाँ से ब्लू ले लेना है, ब्लू कलर मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा, टेल ब्लू कलर है वैसे मैं सिर्फ ब्लू रहने दूंगा, यहाँ पर कलर मैप में से सिलेक्ट कर लेंगे ब्लू। यहाँ जो कलर मैप आ रहा है, जो कलर साइज़ आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है साइज़ मैप आ गया, यहाँ पर कलर मैप आ गया, जो ड्रॉप डाउन के ऑप्शन आ रहे हैं आपको सिर्फ उसके अंदर सेलेक्ट करना है। अगर आप जैसे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देखिए ना, इसमें ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसे छोड़ के अपना कोई कलर फिल करूँगा जैसे यहाँ पर टेल ब्लू हो गया, तो ये यहाँ पे एरर आने लगेगा बाद में, ब्लू की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें बाद में एरर आएगा जब मैं इसे सबमिट करूँगा, तो इसलिए हमें ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन में सिर्फ वो सिलेक्ट करना है जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, अवेलेबल आ रहे हैं, साइज़ मैप हो गया जैसे कि, और यहाँ पर कलर मैप हो गया, तो इसमें से वही सिलेक्ट करना है, डार्क ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, सिर्फ ब्लू हो गया, यहाँ पर ब्लू ले लिया हमने सिर्फ यहाँ पर, लेकिन जिनमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा ड्रॉप डाउन का, आप उसमें अपने पास से कुछ फिल कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको सारी। और जिन पर भी देखिए स्टार बने हुए हैं यहाँ पर, आपको सब पे स्टार बने हुए दिख रहे हैं, सारे फिल करना मैंडेटरी है, अगर आप ये फिल नहीं करेंगे
तो आपकी लिस्टिंग आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे आपका इस तरीके से एरर रहेगा, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसमें अभी हमारी है, हमने सारी चीज़ें फिल नहीं की। आप चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मटेरियल टाइप में आएंगे। मटेरियल टाइप किस तरीके का मटेरियल है, जैसे कि मैंने उस पर भी लिखा था कॉटन और पॉलिस्टर लिखा था, तो दो तरीके का देखते हैं इसके अंदर शायद होगा, कॉटन पॉलिस्टर या पॉलीकॉटन कुछ ऐसा होगा। ये आगे देखिए पॉलीकॉटन, दोनों मिक्स टाइप के हैं, ये वाला ये ले लेंगे हम पॉलीकॉटन। अब यहाँ पे टारगेट जेंडर, किस जेंडर को हमें सेल करनी है यहाँ पे, तो वो ले लेंगे मेल है फीमेल है यूनिसेक्स है, हमारा मेल है तो हम यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एज रेंज डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अडल्ट के लिए है सिर्फ, किड के लिए, बेबी के लिए, बच्चे होते हैं या फिर थोड़े किड वगैरह जो 7-8 से 10 साल के हो गए, ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे और ये अडल्ट हो गए, तो हमारी अडल्ट के लिए बड़े की शर्ट है तो उसे ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे शर्ट साइज सिस्टम ले लेंगे, किस तरीके का शर्ट साइज सिस्टम है, यहाँ पे इंडिया है, हम इंडिया मार्केट प्लेस पर कर रहे हैं इसलिए सिर्फ IN को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब शर्ट साइज क्लास आ जाएगा, अब यहाँ पर शर्ट साइज क्लास देख लेंगे। शर्ट साइज क्लास में आपका न्यूमेरिकल में है, एज में, अल्फा में, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स वगैरह में आपने वापस सेलेक्ट किया जाए, 38 साइज 36 साइज न्यूमेरिकल ले लेंगे यहाँ पे। और बाकी अगर एज के अकॉर्डिंग है, जैसे कि 4 साल से 8 साल का बच्चा पहन सकता है या 2 साल से 10 साल का बच्चा पहन सकता है, तो यहाँ पे एज ले लेंगे इस तरीके से, या फिर 10 साल से 15 साल का कुछ ऐसे अपने आइटम देखेंगे या फिर आप ऐसे सेल करना चाहते हैं, यहाँ पे एज ले लेंगे इस तरीके से। लेकिन मैंने यहाँ पे मीडियम वगैरह वैसे सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे उसके बाद मैं अल्फा सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे देंगे हम शर्ट साइज़ वैल्यू, यहाँ पे शर्ट साइज़ वैल्यू देखिए ये आ गई, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था, देखिए वो बच्चों वाला 3 मंथ्स का बच्चा, 3 मंथ के पहन सकते हैं, 6 मंथ के पहन सकते हैं, 9 मंथ 12 मंथ हो गए, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी 12 ईयर्स हो गए, देखिए यहाँ पे किस तरीके से बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे फ्री साइज़ हो गया और मीडियम लार्ज से सब तरीके के यहाँ पर साइज़ हैं, आप जो यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, नंबर पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर ये रहा 40 साइज़ हो गया, 42 हो गया, यहाँ पर 34 हो गया, जो भी आप साइज़ सेलेक्ट करना चाहें। मैंने यहाँ पर अल्फा में ले रखे हैं तो मैं यहाँ पर मीडियम एम साइज़ सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर शर्ट साइज़ टू रेंज में यहाँ पर क्लिक करेंगे, शर्ट साइज़ टू रेंज इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, प्रोवाइड दी टू साइज़ वैल्यू इफ़ रेंज मस्ट बी ग्रेटर देन द साइज़ वैल्यू, मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक रेंज दूँगा, क्योंकि कंपलसरी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर स्टार वाले हैं इन सब पे स्टार लगा हुआ है, कंपलसरी है, और ये वाले कंपलसरी नहीं है इसलिए मैं इन्हें ब्लैंक रहने दूंगा। वैसे ये भी कंपलसरी नहीं है लेकिन मैंने इसे भर दिया, फिल कर दिया मैंने इसे। अब नीचे जाएंगे इसके यहाँ पे स्लीव लेंथ हमें यहाँ पे फिल करनी है, स्लीव लेंथ कितनी है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पर डालना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए 26 स्लीव मैं यहाँ पर इंच डाल देता हूँ, मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं ऐसे करके डाल रहा हूँ, ये वाली 26 इंच यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। किस तरीके से आपने मजर की, सेंटीमीटर में, फीट में, एमएम यहाँ पर एम में मतलब मीटर, यहाँ पे एमएम या फिर यहाँ पे इंच में, मैंने इंच में लिए तो मैं यहाँ पे इंच डाल दूंगा। यहाँ पे कफ स्टाइल डाल देंगे, सिंगल, डबल, यहाँ पे फ्रेंच कफ जो होता है, यहाँ पे सिंगल कफ है या डबल कफ है, जो भी आपका सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इस पेज पे हो चुकी है, एक मैनुफैक्चर पार्ट नंबर को छोड़ के। और जब हम यहाँ पे मैनुफैक्चर पार्ट नंबर फिल कर देंगे तो यहाँ से ये पेंडिंग वाला स्टेटस रेड कलर का जो आ रहा है हट जाएगा यहाँ से, लेकिन ये अभी फिल नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमें SQID कॉपी करनी है, SQID का आपको पता ही होगा, वो यहाँ से हम भरेंगे। यहाँ वेरिएशन पर आ जाते हैं, वेरिएशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इशू होने वाला है यहाँ से, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी प्रोसेस है एक बल्क लिस्टिंग करने वाला, जो है टेम्पलेट के थ्रू, अफिलेट फाइल के थ्रू कर सकते हैं। उस पर ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, आप जाके देख लीजिए, आप शायद देख के आ रहे होंगे वो वीडियोज़, वो बहुत ज़्यादा बेटर है इसके अकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पे साइज़ वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, कलर साइज़ वगैरह। इस पे से हम इसलिए नहीं करेंगे, सिंगल लिस्टिंग करेंगे इसके पास से, इसे ब्लैंक रहने देंगे बिल्कुल वेरिएशंस को। उसके बाद हम जाएंगे ऑफर्स में, ऑफर्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे सेलर SQID देनी है। सेलर SQID क्या होती है आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ सेलर SQID क्या होती है। देखिए आप एक शर्ट सेल कर रहे हैं, ये वाली एग्जांपल मान लेते हैं, हमारे पास ये शर्ट है, इसके अंदर हमारे पास 4 साइज़ हैं, ठीक है ना। इसके पास हमारे 4 साइज़ आ गए, स्लिम, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज हो गए, या फिर इसमें टी शर्ट में हमारे 4 कलर हैं, आप कुछ भी इमेजिन कर लीजिए। आपने अब आप इन्हें सारे शर्टों को अमेजोन पर लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है यहाँ पर, जैसे कि ब्लू शर्ट है हमारी, चेक ब्लू शर्ट है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलर ले लेंगे शर्ट का, हमारी ब्लू कलर ले लेंगे यहाँ पर, ब्लू हमारी मतलब शर्ट हो गया। आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं, SQID ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं BL नहीं लूँगा यहाँ पर, BL क्योंकि मैं ब्लैक के लिए यूज़ करने वाला हूँ इन फ्यूचर। अब यहाँ पर सिर्फ मैं एक रहने देता हूँ B, मतलब ये ब्लू हो गया। अब उसके बाद चेक शर्ट है मेरी, तो यहाँ पर मैं चेक ले लूँगा C, और यहाँ पर H भी कर दूँगा मैं, या E भी कर दीजिए जो आपको और ज़्यादा, बस आपको लगना चाहिए कि आपको याद आ जाए SQID देखते के साथ ही। यहाँ पर मैं सिर्फ C रहने दूँगा, BC
मतलब यहाँ पे ब्लू चेक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम डिज़ाइन ले लेंगे, कोई हमारे शर्ट का डिज़ाइन होता है, आर्टिकल नंबर होता है, या फिर मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया दिया, आप सप्लायर से जब लेते होंगे माल, वो आपको आर्टिकल नंबर कोई डिज़ाइन नंबर देता होगा, फिर आप खुद क्रिएट करते होंगे। अगर अभी तक नहीं किया आप कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं इसमें एक ही साइज़ है मेरा, एक ही कलर है, तो मैं यहाँ पे 01 ले लूँगा, मतलब 01 एक ही यहाँ पे मैंने, अगर मेरे पास तीन कलर होते तो मैं यहाँ पे 03 ले लेता, मेरे पास चार कलर होते 04 ले लेता, मेरे पास एक ही कलर है ब्लू तो मैं 01 ले लूँगा। यहाँ पे मैंने खुद बना दिया डिज़ाइन, ठीक है 01, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 0145D, ये मैंने डिज़ाइन बना दिया इसका। यहाँ पे हो गया ब्लू चेक 0145D हो गया, 0145D डिज़ाइन हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया, ये सब वापस छोटा कर देते हैं 01, ठीक है ना, ब्लू चेक 01 शर्ट हो गई हमारी। इसके बाद हम यहाँ पे हाइफन लगा देंगे, उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे साइज़ M, ब्लैक चेक 01M। यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, सबसे पहले हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया ब्लैक, यहाँ पे B, उसके बाद चेक पैटर्न डाल दिया कौन सी शर्ट है, चेक हो गई यहाँ पे, उसके बाद डिज़ाइन डाल दिया चेक में कौन सी शर्ट, कौन से डिज़ाइन वाली, 01 डिज़ाइन वाली, कलर भी आ गया और यहाँ पे शर्ट का वो भी आ गया पैटर्न, चेक शर्ट है, प्लेन शर्ट है, उसके बाद यहाँ पे शर्ट का डिज़ाइन भी आ गया, क्योंकि चेक शर्ट में बहुत सारी डिज़ाइन की होती हैं। उसके बाद यहाँ पे साइज़ भी आ गया। अब ये फिल करना है सेलर स्क्वायर इस तरीके से क्यों फिल करना ज़रूरी है, बहुत से लोग इस पर नंबर लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, फिल करना इसलिए ज़रूरी है अमेज़न और फ्लिपकार्ट जो होते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो डायरेक्ट आपको साइज़ नहीं बताते, कलर नहीं बताते। जब आपको इसका ऑर्डर रिसीव होगा तो आपको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि आपके पास इस ब्लू शर्ट का, ब्लू चेक शर्ट का ऑर्डर आया है, वो आपको SQID से बताएंगे, वो कभी इमेजेस भी दिखाते हैं लेकिन कभी कभी सर्वर डाउन रहता है तो इमेजेस भी नज़र नहीं आती। इस वजह से ये लिखना ज़रूरी है कि आप सेलर SQID देख के पहचान जाए कौन से प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर आया, तो इसलिए आपको ये लिखना ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से इसे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए। आप इसे बहुत बड़ा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन छोटा सही रहेगा क्योंकि लेबल में छोटा सा सही लगता है, लेबल में अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो इशू हो जाता है, इस वजह से अच्छा नहीं लगता, मतलब इशू कोई नहीं होता, तो इस वजह से मैं इसे शॉर्ट रखता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में। आप भी इसे शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड आ गया है, यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स कोड आप यहाँ से ले सकते हैं, फिर आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि ये खुद ही खुद हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए सब पे लाइन तारीख से नंबर वाइज यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, वरना खुद ही खुद डिटेक्ट कर लेता है शर्ट के अकॉर्डिंगली, खुद डिटेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोथिंग चप्पल्स में आ गया, क्लोथिंग यहाँ पे बुक बैग में आ गया, और यहाँ पे क्लोथिंग होजियरी प्रोडक्टिव रेनकोट, क्लोथिंग रेडीमेड आ गया, क्लोथिंग साड़ीज, क्लोथिंग शूज़ आ गया। तो ये उसके हिसाब से यहाँ पे टैक्स कोड इन्होंने ऑटोमेटिक दे रखे हैं, आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, आप इसे वरना ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। देखिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं, क्योंकि ये खुद डिटेक्ट कर लेते हैं अपना, इनका सिस्टम खुद डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहें कर लीजिए, मैं इसे रहने दूंगा, मैं इसे फिल नहीं करूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे योर प्राइस आ गया, योर प्राइस में हम अपना सेलिंग प्राइस डालना है, जिस प्राइस में हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अपना प्रोडक्ट कस्टमर को देना चाहता हूँ 749 में, अब इस प्राइस में से हमारा सब कुछ कट होगा। एग्जाम्पल अमेज़न का हमारा कमीशन इसमें से कट होगा, शिपिंग चार्ज हम अपना अलग से लेना चाहेंगे तो अलग से ले सकते हैं, अदरवाइज इसमें से कट होगा। फिर इसके ऊपर हमें प्रोडक्ट का टैक्स देना है इसके अंदर से, और इनकी फ़ीस होती है कुछ अमेज़न की, जैसे इनके SMS जाते हैं, कलेक्शन फ़ीस हो गई, क्लोजिंग फ़ीस हो गई, क्लोजिंग फ़ीस वगैरह वो होती है जो इनके SMS वगैरह जाते हैं, और इसमें कलेक्शन फ़ीस मतलब जो अपना ये कस्टमर से पेमेंट लेते हैं तो उसके 2% उसके भी लगते हैं। जैसे कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट की इन्होंने, फिर कैश ऑन डिलीवरी था, प्रोडक्ट एक्सेप्ट करके अकाउंट में गई, तो 2% पेमेंट गेटवे वाले भी काटते हैं, 2% 3% जितने भी अलग अलग काटते हैं वो, तो वो भी चार्ज वो सब आपका इसी में से कटेगा, वो आपको टोटल सेटलमेंट वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसका आप उसके अकॉर्डिंगली रखिए सारा का सारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेल प्राइस आ गया नीचे, उसके नीचे देखिए पहले हम ये अपनी SQID जो हमने यहाँ पर लिखी थी इसे कॉपी करके वाइटल इन्फॉर्मेशन में सेंड कर देंगे, यहाँ पे जो हमारे वहाँ पे मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर रह गया था ये आ गया यहाँ पे मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर। देखिए जैसे हमने यहाँ पे फिल किया ये, तो यहाँ से वो जो पेंडिंग वाला स्टेटस था हट चुका है यहाँ से। अब हम वापस ऑफर्स में आएंगे और यहाँ पे आके नीचे देखिए सेल प्राइस आ रहा है। सेल प्राइस मतलब हम कोई ऑफर वगैरह सेल स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल स्टार्ट डेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल एंड डेट। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ अभी 749 में, लेकिन मैं सेल में 699 में मतलब वही 50 रुपीज़ में ऑफ देना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे सेल की डेट यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। मैं 16 तारीख से यहाँ पे 16 जून से 2021 और 20 जून तक मैं यहाँ पे 4 दिन तक मैं यहाँ पे सेल स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हमारे मेरे इस पर ऑफर स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाहता ऐसा सेल वेल स्टार्ट, तो मैं इसे इसलिए हटा दूँगा, फिर रहने देते हैं इसे, ट्राई करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसे आप चाहें तो इसे ब्लैंक रहने दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं आप आते कि सेल चलाएं। मैंने लेकिन इस पर ऐसे आपको डेमो के लिए दिखाने के लिए लगा दी मैंने यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कंपलसरी का यहाँ पर किसी पर भी सिंबल नहीं है, सिर्फ प्राइस पर है, SQID पर भी नहीं था वैसे तो यहाँ पर, लेकिन सिर्फ प्राइस पर है, ठीक है। अब यहाँ पर लिस्ट प्राइस आ गया, लिस्ट प्राइस पे भी हम अपना सेम प्राइस डाल देंगे,
ये वाले योर प्राइस, या फिर आप इसे भी ब्लैंक नहीं दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है फिल करना इसे भी। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन सिर्फ एक ही ऑप्शन है न्यू का, उसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन नोट हम यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं दे सकते हैं, वैसे ये यहाँ पे डिसेबल हुआ है, इसमें कुछ लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसलिए इसे रहने देंगे। मैक्स ऑर्डर क्वान्टिटी, एक कस्टमर कितने ऑर्डर कर सकता है यहाँ पर ये लिख देंगे। मैं 5 टी शर्ट तक दे सकता हूँ कस्टमर को, उससे ज़्यादा वो ऑर्डर नहीं करें मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि रिटर्न विटर्न का इशू हो जाता है कभी कोई ऐसे फ्रॉड कस्टमर हो। और यहाँ पे हैंडलिंग टाइम आ गया, मतलब हम अपना प्रोडक्ट कब दे देंगे, जैसे आज ऑर्डर रिसीव हुआ तो कितना टाइम लगेगा मुझे पैक करने में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो फ्लिपकार्ट वाला अमेज़ोन वाला आएगा उसे देने में कितना हमें टाइम लगेगा। जैसे हमारा आज ऑर्डर रिसीव हुआ तो हम अमेज़ोन वाले को कितने, अमेज़ोन से पिकअप बॉय आएगा तो उसे कितने दिन में दे देंगे, कल दे देंगे, परसों देंगे, तरसों दे देंगे, जितने दिन में आप यहाँ पे दे सकें उसे यहाँ पे इतने दिन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे 1 दिन में दे सकता हूँ उसे, तो मैं 1 दिन सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। अगर मैं 2 दिन यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो अगर मुझे आज ऑर्डर रिसीव हुआ तो अमेज़ोन वाला कल को छोड़ के परसों आएगा मेरे पे, जो अमेज़ोन का पिकअप बॉय है वो मेरे पे परसों को आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 1 दिन सिलेक्ट करूँगा। फास्ट सर्विस, कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी फास्ट डिलीवरी से। उसके बाद यहाँ पे कैन बी गिफ्टेड मैसेज, यहाँ पे देखिए अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हूँ अब मैं अपने फ्रेंड को ये शर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा फ्रेंड जो है वो मुंबई में रहता है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं अपने अकाउंट से उसके घर पर डिलीवर करवाऊँ उसके नाम से, मतलब इसमें कोई नोट वगैरह रखूँ, जैसे एग्जांपल कोई दोस्ती का मैंने कुछ क्वोट्स लिख दिया इसके अंदर, या कोई शायरी वगैरह लिख दी मैंने इसके अंदर, तो उस तरीके से आप ये मैसेज वगैरह लिख सकते हैं उसके अंदर। अगर आप लिख सकते हैं किसी के लिए तो इस पर येस कर देंगे, जैसे कोई किसी को गिफ्ट देना चाहेगा तो वो आपसे कुछ इसके अंदर नोट लिखवाना चाहेगा, एग्जांपल गिफ्ट के मैसेज लिखवाना चाहेगा, तो आप लिख के उनकी तरफ से लिख के उसके अंदर पैक करके भेज देंगे, तो आप अगर भेज सकते हैं ऐसा येस कर दीजिए। वैसे कोई ज़्यादा बड़ा इशू है नहीं इसके अंदर, वो आपको पूरा नोट लिख के देगा, सिर्फ आपको प्रिंट निकाल के उसके अंदर रखना है। तो आप ये कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई इसमें हर्ज भी नहीं है, लेकिन कर देंगे तो सेल इंक्रीज़ होने के चांस ही, इसलिए मैंने इसे यस कर दिया है। उसके बाद इस गिफ्ट रैप अवेलेबल, यहाँ पे अगर गिफ्ट रैप आप कर सकते हैं, जैसे वो चमकीली सी पन्नियाँ कुछ आती हैं इसमें गिफ्ट वगैरह देते हैं किसी की शादी पे, आपने देखा होगा सलामी वगैरह होती है, फिर बहुत से अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं आप उसमें गिफ्ट रैप में आपने देखा होगा पन्नी वगैरह में, फिर कोई से भी पेपर वगैरह होते हैं वो आपके पास अवेलेबल होगा, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं अच्छी तरीके से खूबसूरत तरीके गिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल अमेज़ोन के डब्बे में वो गिफ्ट पहुँच रहा है उनके यहाँ पे, इस तरीके से नहीं, वो चाहते हैं खूबसूरत तरीके से पहुँचे वहाँ पे गिफ्ट। तो अगर आप ये गिफ्ट रैप रख लेंगे अवेलेबल करवा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवा सकते तो अदरवाइज रहने दीजिए। मैं इसे गिफ्ट रैप को भी येस कर दूंगा, मैं चाहता हूँ आप इसे बार आप इसे मेरी तरह सेलेक्ट मत कीजिए, आप इसे नो कर दीजिए या फिर इसे ऐसे सिलेक्टेड पर रहने दीजिए अगर आप नहीं दे सकते तो। वैसे मैं आपको सजेशन दूंगा आप इसे रहने ही दें क्योंकि ज़्यादा इशू हो जाएगा, मैं तो आप सिर्फ ऐसे येस करे जा रहा हूँ इसके ऊपर। मैं भी इसे देखिए रहने देता हूँ, मैंने भी इसे हटा दिया, कभी आप भी इसे मेरे देख जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे फॉलो कर रहा हूँ, बाद में अगर किसी का ऐसे ऑर्डर आ जाए आप उसे बिल्कुल इस तरीके से ना मैसेज उसके अंदर आपने डाला ना आपने गिफ्ट रैप दिया तो फिर वो इशू हो जाएगा, फिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर गलत रिव्यू देगा कि उन्होंने वहाँ पे गिफ्ट रैप अवेलेबल कर रखा था, मैसेज अवेलेबल कर रखा था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, तो उससे रेटिंग हमारे प्रोडक्ट की रेटिंग की गिरेंगे, इसलिए हम यहाँ से रहने देते हैं इसे ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे ऑफ़र स्टार्ट डेट, यहाँ पे ऑफ़र स्टार्ट डेट ऐसे ब्लैंक रहने देंगे यहाँ पे, देखिए इसके बाद रीस्टॉक डेट आ रहा है, जैसे एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे कितना स्टॉक डाला है, जैसे 10 स्टॉक डाला हमने, अब रीस्टॉक डेट हमें कभी याद दिलाई है अमेज़ोन वाला, जैसे मैंने 16 आज 15 तारीख है, मैंने 15 तारीख को यहाँ पे 10 स्टॉक डाल दिया, अब रीस्टॉक हमें 20 तारीख को याद दिलाए मैं चाहता हूँ, तो आप इसमें डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐसे कोई डेट सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं डिफ़ॉल्ट वहाँ से स्टॉक अपडेट कर दूंगा, बहुत इजी स्टॉक अपडेट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे, HSN कोड हमारा टैक्स कोड होता है एक तरीके से, हम यहाँ से गूगल से ले सकते हैं वो HSN कोड अपने प्रोडक्ट का। आपको क्या करना है, सिर्फ अपने सबसे पहले वर्टिकल का नाम डालना है, जैसे शर्ट हो गया शर्ट HSN कोड, ही देखिए ऊपर आ गया शर्ट्स HSN कोड, तो सबसे पहले हमारा ऊपर शर्ट का HSN कोड आ चुका है, इसे कॉपी कर लेंगे, आप अपने प्रोडक्ट का नाम डालिए सबसे पहले, फिर HSN कोड डालिए गूगल पे, आपका भी इस तरीके से सेम आ जाएगा, और यहाँ पे आके हम कॉपी कर देंगे इसे, ये रहा HSN कोड। अब यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस आ गया, मतलब इसकी MRP ये आगे देखिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट की MRP दिखाना चाहते हैं, MRP अलग होती है, सेलिंग प्राइस अलग होते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे MRP मैं यहाँ पे रख दूँगा 999, मैं यहाँ पे MRP डाल देता हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने जो भी आप अपने प्रोडक्ट की रखना चाहें, या फिर आपके प्रोडक्ट पर ऑलरेडी लिखी हुई होगी, आप चेक कर सकते हैं कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से MRP डाल दीजिए। जैसे मैंने 999 MRP डाल दी, सेलिंग प्राइस मेरा कम है, यहाँ पे देखिए 799, ये मेरा सेल प्राइस चलाएँ अलग से, 3 प्राइस अलग होगा मेरे, कस्टमर को इस प्राइस में मिलेगा मेरा
16 तारीख से 20 तारीख तक, जब ये 20 तारीख के बाद मेरा 749 हो जाएंगे प्राइस, लेकिन MRP मेरी जो है वो 999 है। MRP मतलब कस्टमर को ऑफ दिखेगा, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे 999 डाला है, वहाँ पे प्रोडक्ट 500 में सेल कर रहा हूँ तो उसे 50% ऑफ दिखेगा, ये फ़ायदा ही देता है। तो इसलिए MRP आप यहाँ पर डाल दीजिए, कंपलसरी ये फिल करना, बिना MRP डाले आप आगे इसे प्रोसेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड लगा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर फुलफिलमेंट चैनल आ जाएगा। फुलफिलमेंट चैनल मतलब यहाँ पे देखिए फुलफिल बाय Amazon FBA होता है, ये FBA, ये देखिए यहाँ पे फुलफिल्ड बाय Amazon, इसकी तीनों स्पेलिंग फर्स्ट के लिए लीजिए, F और ये BM FBA, Amazon FBA मतलब Amazon के वेयर हाउस में। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ, Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, अगर कोई ऑर्डर आता है तो Amazon वाला अपने वेयर हाउस में हमारा, हमें Amazon के वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेज देंगे, अगर कोई ऑर्डर आएगा तो वहीं से उठाएगा उसे, वहीं से पैक करके खुद कस्टमर को देगा, रिटर्न आएगा तो खुद लेके आएगा उसे, खुद मैनेज करेगा, पर सब कुछ वो खुद करेगा, तो उसका वो चार्ज लेता है अलग से। आपको Amazon FBA में प्रोडक्ट अपना सेंड करना है, लेकिन अगर आप Amazon FBA में अपना प्रोडक्ट सेंड नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, सेल शिप और आई विल पैक दिस आइटम एंड Amazon विल पिकअप एंड शिप इजी शिप के थ्रू। यहाँ पे मर्चेंट फुलफिलमेंट मतलब अगर हमारे पर कोई ऑर्डर आता है तो यहाँ पे Amazon वाला जो है वो हम आएगा इजी शिप से और हमारा प्रोडक्ट हमारे वेयर हाउस से लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेल्फ शिप का भी ऑप्शन है। देखिए क्या Amazon, आप नहीं चाहते कि Amazon मेरा शिप करे तो आप खुद अपनी थर्ड पार्टी कुरियर से शिप कर सकते हैं प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे Amazon रहने दूंगा यहाँ पे कि Amazon की सेल्फ शिप आए और मेरा प्रोडक्ट लेके जाए, जैसे मुझे कोई ऑर्डर मिला अब Amazon वाले आए उनके पिकअप बॉय मेरे घर से लेके जाएं, क्योंकि मैं अपने घर पे प्रोडक्ट इसलिए रखना चाहता हूँ कि सिर्फ Amazon पर मैं स्टॉक यहाँ पर बाउंड नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ फ्लिपकार्ट भी सेल करूँ, स्नैपडील पर भी, अदर ई कॉमर्स अपनी साइट पर भी सेल करूँ और सोशल मीडिया पर भी सेल करूँ, उससे ज़्यादा चांस रहेंगे। सिर्फ Amazon पर डाल दूंगा पे तो स्टॉक डेड हो जाएगा, मेरा बेकार पड़ा रहेगा, इस वजह से मैं यहाँ पे आई विल शिप दिस आइटम कर दूंगा, मैं खुद शिप करूंगा या फिर Amazon से मैं शिप करवाऊंगा ये वाला, लेकिन मैं Amazon के वेयरहाउस में नहीं रखने वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो यहाँ पे करना चाहते हैं आप यहाँ पे वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप फुलफिल बाय Amazon करेंगे तो आपको Amazon FBA के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अलग से, उसकी थोड़ी बहुत फ़ीस भी लगती है। तो यहाँ पे अब हमने कर लिया कि Amazon आएगा और हमारा प्रोडक्ट लेके जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये करा, पहले हमने जब ये कर रखा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं बचा, लेकिन जब हम यहाँ पे सेल्फ शिप कर देंगे तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है क्वांटिटी, देखिए यार क्या हमारे पास क्वांटिटी कितनी है इसके प्रोडक्ट की, क्योंकि पहले यहाँ पे शायद क्वांटिटी का ऑप्शन आ नहीं रहा था। चलिए ऊपर देखते हैं, ये रहा देखिए क्वांटिटी का ऑप्शन पहले आ नहीं रहा, क्योंकि ये Amazon वहाँ से पहले खुद सारी हैंडल करता तो वो अपने हिसाब से क्वांटिटी डालता कितनी उनके पास है, वो वहाँ पे जाने के बाद डालता है, लेकिन अब यहाँ पे हम खुद कर रहे हैं कि हम खुद अपने पास से पैक करेंगे, तो यहाँ पे अब हमसे क्वांटिटी पूछ रहा है क्वांटिटी कितनी है हमारे प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर 10 डाल देता हूँ मैं, जैसे मैंने आपको रीस्टॉक बताया था यहाँ पर कि रीस्टॉक कब करना है हमें। अब यहाँ पर हमने 10 क्वांटिटी डाल दी, अब यहाँ पर ठीक हो चुका है वापस। देखिए अब यहाँ से हम इसे सबमिट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं बचा, लेकिन इस पर इमेज नहीं डाली हमने, बिना इमेज के भी ये वहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसमें इमेज डालना ज़रूरी है, कंपलसरी तो इन्होंने नहीं बना रखा, पता नहीं क्यों नहीं बना रखा, इन्हें बनाना चाहिए कंपलसरी से, जैसे इन्होंने कंपलसरी बना रखे हैं और प्राइस वगैरह, इन्होंने इमेज भी कंपलसरी बनानी चाहिए इन्होंने, लेकिन इन्होंने बनानी रखी है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर इमेज भी बहुत ज़रूरी डालनी है, बिना इमेज के तो यहाँ पर बिकेगा ही नहीं प्रोडक्ट हमारा, तो इसलिए हम यहाँ पे इमेज भी ले लेंगे। ये आ गई हमारी इमेज, ये आ गई हमारी मेन इमेज, और यहाँ से हम सेकंड इमेज ले लेंगे, यहाँ से थर्ड इमेज डाल देंगे अपनी, और नंबर वाइज से जितनी भी हमारी इमेज है हम यहाँ पे वन बाय वन अपलोड कर देंगे। ये देखिए अपलोड हमने यहाँ पे कर दिए, इस लास्ट वाले में मैंने साइज़ की इमेज ले ली है अपनी, साइज़ वगैरह की, जैसे आप भी लेना चाहें तो ऐसे साइज़ की इमेज ला के बना सकते हैं, साइज़ वैसे वेबसाइट में भी नज़र आ जाता है, लेकिन आप यहाँ से भी बना सकते हैं साइज़। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखिए हमने इमेजेस अपने डाल दिए, उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन हमें देना है, उसके बाद बुलेट पॉइंट देना है, यहाँ पे लीगल डिस्क्रिप्शन हमें, ये हमें लीगल डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन हमें ब्लैंक रहने देना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, मैंने ऑलरेडी लिख लिया, अगर आपने नहीं लिखा है आप लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी होती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, जो जो इसका यूज़ है, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पहन सकते हैं और क्या उसके अंदर कपड़े की क्वालिटी है, क्या उसका यूज़ है, जो भी है आपको किस चीज़ से उस प्रोडक्ट को बचाना है, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। तो आप लिख लीजिए डिस्क्रिप्शन, मैंने ऑलरेडी लिख लिया, मैं इसमें कॉपी पेस्ट कर दूंगा, मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। ये आगे देखिए मैंने सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैंने ऑलरेडी लिख रखा था, ये रहा यहाँ पे, दिस कैजुअल चेक शर्ट हैज़ अ स्लिम कॉलर, हैज़ अ फुल बटन प्लान लॉन्ग स्लीव एंड अ कर्व हेलमेट। यहाँ पे मैंने पूरा ऐसे ही उठा लिया डिस्क्रिप्शन किसी का भी, आप अपने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, काफ़ी मैटर करता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी। अब यहाँ पे बुलेट पॉइंट हमें फिल करना है, बुलेट पॉइंट क्या होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस XY फ्रेंड को हटाएंगे और यहाँ पे Amazon सर्च करेंगे, बुलेट पॉइंट काफ़ी मेन होते हैं, वो होते क्या है मैं आपको दिखाता हूँ।
डायरेक्ट बताने से अच्छा है कि आपको दिखा दिए जाएँ बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए बुलेट पॉइंट इन्हें बोला जाता है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का जो हाईलाइट है हमें वो बताना होता है। डिस्क्रिप्शन से भी काफ़ी मेन है ये, क्योंकि वेबसाइट ये इमेजेस के डायरेक्ट बराबर में आते हैं, हाईलाइट किए हुए हैं। देखिए इन्होंने वेबसाइट पे ऊपर ही नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बुलेट पॉइंट देने होते हैं। अपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे प्रोडक्ट की यूज़ेबल है वो हमें बतानी होती है कस्टमर को डिस्क्रिप्शन में। आप 5 डिस्क्रिप्शन तक यहाँ पे दे सकते हैं अपने, जैसे मैं ऐड मोर पे क्लिक करूँगा, ऐड मोर पे देखिए ये हो गए 2-3। अब यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, देखिए 1-2-3-4-5 आ गए, से 5 बुलेट पॉइंट तक हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स भी अभी हम देंगे, हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, तो 1 by 1 हम अपना बुलेट पॉइंट भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हमने पहले से यहाँ पे ले रखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रखे हैं अपने, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से पेस्ट कर देते हैं। मैं सबसे पहले वाले में कर दूंगा यहाँ पे केयर इंस्ट्रक्शन वाला, केयर इंस्ट्रक्शन मशीन वॉश। हम यहाँ पे सेकंड वाले में आ जाएंगे, हम फिट टाइप में आ जाएंगे, हम स्लिम फिट यहाँ पे डाल देंगे। हमने वहाँ पे स्लिम फिट सेलेक्ट किया था, फिट टाइप स्लिम फिट। उसके बाद थर्ड वाले पे जाएंगे हम, थर्ड वाला थोड़ा सा लेंथ ही है। ये आ गया हमारा 100% प्रीमियम कॉटन। देखिए यहाँ पे 100% डाल रहा है मैंने, वहाँ पे आपको 80% कॉटन और 70% पॉलिस्टर करके दिखाया था, वो मैंने इसलिए करके दिखाया था आपको ताकि आप देख लें कि दो तरीके के कपड़े किस तरीके से मिक्स करते हैं। कि 100% कॉटन लिख देंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा कोई भी लिख देगा, तो दो टाइप के मैंने आपको इसलिए करके दिखाए थे वहाँ पे, तो इसलिए मैं इसे रहने देता हूँ फिलहाल। मैं इसे 100% ऐसे ही, कोई इशू नहीं है इसमें। डेमो लिस्टिंग में आपको करके दिखा रहा हूँ, मतलब लिस्टिंग पूरी जेन्युइन है, लाइव रहेगी इस पे, आपको लाइव करके दिखाऊंगा मैं इस पे अमेज़ॉन पे, लेकिन मैं डिलीट कर दूंगा इसे करने के बाद जब ये लाइव हो जाएगी। बिल्कुल बाय नाउ का बटन इस पे एनेबल हो जाएगा, सब कुछ इस पे हो जाएगा, तो मैं इस पे आपको डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं आपको डेमो की लिस्टिंग करके दिखा रहा हूं। कभी आप सोचें कि नकली लिस्टिंग है, काम नहीं करेगी अमेज़ॉन पे, बिल्कुल काम करेगी, ऑर्डर्स भी आएंगे, सब कुछ होगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे अपना फोर्थ वाला फिल कर देंगे जल्दी से, बुलेट पॉइंट फोर वाला हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आ गया, अब उसके बाद लास्ट वन यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पे हम ओकेशन वाला डाल देते हैं पेस्ट, यहाँ पे बेस्ट फॉर कैजुअल एंड स्मार्ट कैजुअल वियर, ये हो गया हमारा। लीगल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, और बाकी हम जाएंगे कीवर्ड्स में। अब कीवर्ड्स काफ़ी मेन है हमारे प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे हम अमेज़ॉन पर जाएंगे वापस, और अमेज़ॉन पर जाने के बाद यहाँ पे हम कीवर्ड्स सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन से लेंगे, हम अमेज़ॉन के अलावा कहीं और से नहीं लेंगे। जैसे बहुत से लोग करते हैं शायद, वो यहाँ पे सर्च करने लगेंगे बेस्ट शर्ट कीवर्ड फॉर अमेज़ॉन। जैसे यहाँ पे देखिए मैं डालता हूँ, यहाँ पे लोग क्या सर्च करेंगे, यहाँ पे बेस्ट शर्ट कीवर्ड्स फॉर अमेज़ॉन, ये देखिए यहाँ पे आ गया अमेज़ॉन हो गया। देखिए यहाँ पे सैमरेज भी आ गया, सेल्सला भी आ गया, और कीवर्ड टूल्स भी आ गए। ये सब अमेज़ॉन के लिए कीवर्ड दे रहे हैं, ये भी कीवर्ड सही देते हैं, लेकिन ये पैड हैं यहाँ से, इसमें तो कुछ फ्री होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें सब में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सरदर्द वाला काम है, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं वो अमेज़ॉन पर सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन के अलावा हम कहीं और सेल नहीं करेंगे, ना हम इस पर गूगल पर इससे सेल कर रहे हैं। अपनी पर्सनल वेबसाइट पर हम सेल कर रहे होते तो ठीक है, हम गूगल से लेते कीवर्ड, गूगल पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, हमें वो सब नहीं देखना। हमें ये देखना है कि अमेज़ॉन पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ डालेंगे। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पर शर्ट डालूंगा, तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या ऑप्शन आएंगे यहाँ पर। देखिए आ चुके हैं शर्ट हाफ स्लीव फॉर मैन, शर्ट फॉर मैन, शर्ट फॉर मैन स्टाइलिश लेटेस्ट 2021, शर्ट्स फॉर मैन, शर्ट्स फॉर वुमेन स्टाइलिश, शर्ट मैन, शर्ट फॉर मैन स्टाइलिश लेटेस्ट, शर्ट फॉर गर्ल स्टाइलिश। तो लोग ये सर्च कर रहे हैं कीवर्ड्स, देखिए। अब हम इधर उधर से लेंगे तो वो यहाँ पर कीवर्ड्स हमारे काम ही नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ डालता हूँ, देखिए गूगल पे एक शर्ट ले लेता हूँ मैं सिर्फ एक यहाँ पर। अब ये तो हमें सर्च करें, इस वजह से ऊपर ही आ रहे हैं, इसे हम रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद देखिए इसे भी रिमूव कर देंगे शर्ट को। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं शर्ट टाइप, शर्ट फॉर मैन, शर्ट ड्रेस, शर्ट फॉर मैन अमेज़ॉन, शर्ट कॉलर, शर्ट डिज़ाइन, शर्ट कीवर्ड, शर्ट ड्रेस अमेज़ॉन, शर्ट फॉर वुमेन अमेज़ॉन। इस तरीके से लोग सर्च कर रहे हैं, तो हमें इस तरीके से कीवर्ड्स नहीं डालने, ये तो गूगल पर रैंक कर रहे हैं। हमें जो यहाँ डालने हैं वो ये डालने हैं जो इसके ऊपर रैंक कर रहे हों अमेज़ॉन के ऊपर। अब अमेज़ॉन पर कौन सा रैंक कर रहा है सबसे ऊपर, वर्ड शर्ट डालने के बाद ही शर्ट हाफ स्लीव फॉर मैन, हाफ स्लीव के लोग सबसे ज़्यादा शर्ट सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये गर्मी वाला सीज़न चल रहा है, इस वजह से लोग यहाँ पे गर्मी में हाफ स्लीव शर्ट लोग यहाँ पे सर्च मार रहे हैं। अब यहाँ पे शर्ट फॉर मैन भी अच्छा खासा रैंक कर रहा है, शर्ट मैन हो गया, तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा रैंक कर रहा है प्रोडक्ट हम अपना वो ले लेंगे यहाँ पे। लेकिन हमारी हाफ स्लीव नहीं है तो इसे हम रहने देंगे, शर्ट फॉर मैन हम ले लेंगे। अगर हमारी हाफ स्लीव होती तो हम हाफ स्लीव में भी ज़रूर डालते हैं यहाँ पे। तो हम ये प्रोडक्ट हमने कीवर्ड ले लिया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसमें एक चीज़ और बतानी है अब आपको, आपने यहाँ पे सर्च कीवर्ड डाल दिया, आप यहाँ पे अच्छे खासे कीवर्ड्स डाल सकते हो जितने आप डालना चाहो, लेकिन आप इसमें रिपीट मत कीजिए अपने कीवर्ड्स। जैसे यहाँ पे शर्ट डाल दिया तो आप शर्ट को इसमें दोबारा रिपीट मत कीजिएगा पूरे कहीं पे भी,
कीवर्ड्स में, क्योंकि वो इनका सिस्टम कैच नहीं करेगा, सिर्फ एक ही कैच करेगा। हो सकता है कि आपका दोनों में से कोई सा भी कैच ना करेगा, आप डबल कर देते हो, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दिया हमने। शॉर्ट फॉर्म मैंने एक बार डाल दिया, इसे एक ही बार डाले रहना है, ये खुद अमेज़ोन वाले बताते हैं, मैं आपको अपने पास से नहीं बता रहा। ये अमेज़ोन वालों को कहना है कि आपने जो वहाँ पे एक की डाल दी, वहाँ पे एक फ्रेसिस डाल दिया, उसे रिपीट मत कीजिए, इसे मैं इनका सिस्टम डिटेक्ट नहीं करेगा वो वाला। तो हम यहाँ पे एक ही रहने देंगे। अब दूसरा हम यहाँ से ले लेते हैं, देखिए हमने शर्ट हो गया यहाँ पर, शर्ट फॉर मैन स्टाइलिश ब्रांडेड रेंज 500 डाल देंगे, हमारा लगभग 500 के समथिंग पास ही है, तो इसलिए हम इसे ले लेते हैं। ये आ गया 500, वैसे तो इनको वर्टिकली सिलेक्ट कर लेता है, रैंक में ले आता है हमारा, जैसे वर्टिकल है शर्ट्स वगैरह इससे आते हैं, लेकिन हम फिर भी कीवर्ड्स डाल देते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक में आए, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्च में आ जाता ही है धीरे धीरे। अभी तो स्टार्टिंग में एकदम नई लिस्टिंग है, तो ज़्यादा पीछे रहेगा, ये इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होगी इस प्रोडक्ट की। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा एक थोड़ा सा कीवर्ड्स और ले लेते हैं, सिर्फ शर्ट करते हैं वापस और देखते हैं और कौन से प्रोडक्ट इसमें रैंक कर रहे थे। जैसे मैं यहाँ पर शर्ट डालूँगा दोबारा से, तो देखिए यहाँ पे आ गया शर्ट फॉर मैन स्टाइलिश लेटेस्ट। अब देखिए मैन की स्पेलिंग थोड़ी अलग है वाली, तो एक काम करते हैं इसे पूरे को कॉपी कर लेते हैं, इसमें थोड़े से चेंजेस करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मैं इसे दोबारा से कॉपी करता हूँ, आप सोचेंगे मैं इसे सेम वर्ड दोबारा डाल रहा हूँ, लेकिन मैं इसे आप देखिए आगे जो शर्ट है मैं इसे कर देता हूँ शर्ट्स, और यहाँ पर 4 हटा दूँगा क्योंकि 4 हमारा पहले लग चुका है। ये आ गया शर्ट्स मैन, यहाँ पे मैन है ए वाली स्पेलिंग है, यहाँ पे ई वाली, इस वजह से मैंने डाला ये स्टाइलिश लेटेस्ट हो गया यहाँ पे। तो देखिए हमारे ये कीवर्ड्स से सारे हो गए जो रैंक कर रहे हैं इस पे अमेज़ोन पे, तो हमने कीवर्ड्स डाल लिए यहाँ पे। आप भी इस तरीके से वहाँ पे डाल सकते हैं डालना चाहें तो, अदरवाइज़ आप उसे अपने पास से 3-4 जो भी डालना चाहें, जो आपके मैन मैनेजर शर्ट फॉर मैन हो गया ऐसे डाल सकते हैं। मैंने यहाँ से अमेज़ोन से ले ली, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है अमेज़ोन से पिक करना, क्योंकि हम अमेज़ोन पर अपना प्रोडक्ट रैंक करवाना चाहते हैं। उसके बाद मोर डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पर शायद कुछ भी ज़्यादा हमारी काम की चीज़ नहीं है, इसमें हम रहने देंगे, मतलब ये हाईलाइट नहीं की जाएगी अगर हम इसे फिल भी करेंगे तो अमेज़ोन पे, इसलिए हम इसे ऐसे ब्लैंक रहने देंगे। हमारी जो मेन चीज़ थी कीवर्ड्स हो गए, डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स हो गए, इमेजेस हो गई, हमने जो इमेजेस दी थी ये आ गई। यहाँ पे कंप्लाइंस में हमें कुछ नहीं डालना, बैटरी वगैरह का होता है जो बैटरी वगैरह सिस्टम होता है, ऑफर में हमने अपनी सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद वेरिएशन हमें इसमें क्रिएट नहीं करनी है, वाइटल इन्फॉर्मेशन में हमने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी अपनी। तो हमारे यहाँ पर सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है, अब हमें करना क्या है, सिर्फ इसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए 7 फिनिश पे क्लिक करना है हमें सिर्फ यहाँ पे 7 फिनिश पे क्लिक करना है। उसके बाद देखते हैं हमारे स्टेटस क्या रहता है, जैसे मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ठीक ठीक हुई भी है। अगर हम यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हटाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी एरर आ सकता है, इसलिए हम आपको कुछ भी चीज़ यहाँ से हटानी नहीं। जैसे मैं आपको देखिए शर्ट साइज़ वॉल्यूम यहाँ से हटा के दिखाता हूँ, शायद इसमें कुछ एरर आए क्योंकि कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन देखिए एरर आ चुका है यहाँ पर, फिर भी शर्ट साइज़ सिस्टम यहाँ पर एडिट करने लगा, द वैल्यूज पैक इज इनवैलिड बताने लग रहा है यहाँ पर, इस वजह से हमें यहाँ पर ये वापस से फिल करना होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हटाएंगे तो इसमें एरर आ सकता है, अब इसे हम ठीक करेंगे तो वापस ठीक हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ठीक हो गई वापस। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर कंपलसरी मैंडेटरी उसे आपको हटाना नहीं है, उसे आपको पूरी फिल रहने देना है। उसके बाद हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेव एंड फिनिश पर क्लिक करना है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद मैं यहाँ पर सेव एंड फिनिश पर क्लिक कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे योर अपडेट हैव बीन सबमिटेड आ रहा है, यहाँ पे ऑनलाइन लूट स्टोर मैन चेक स्लिम फिट कैजुअल शर्ट कलर ब्लू साइज मीडियम, यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर सजेशन चेंज टू द कैटलॉग, नोट दैट अमेजोन कंसाइडर डाटा फ्रॉम ऑल अवेलेबल सोर्स टू डिस्प्ले द बेस्ट पॉसिबल रिटेल पेज फॉर आर कस्टमर, योर रिकमेंडेशन आर बींग कंसाइंड, इफ वी एक्सेप्ट योर सजेशन द चेंज विल बी रिफ्लेक्ट इन 15 मिनट। मतलब ये बता रहे हैं कि आपने जो भी प्रोडक्ट अपना डाला है, आपको चेंज किया है उसके अंदर, उसके लिए शुक्रिया, हम अपने सारे डाटा चेक करेंगे कि इसमें कॉपी तो नहीं हो रहा आपका प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट ऑनलाइन लूट स्टोर का कहीं ऑलरेडी सेम शर्ट सेल तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो आप उसके अंदर लेचिंग कर लीजिए, मतलब आपके पास भी उसका अप्रूवल है और दूसरे सेलर के पास भी अप्रूवल है, तो दो लिस्टिंग मत कीजिए अलग अलग, एक ही लिस्टिंग में दोनों आप सेल कीजिए इसे, यहाँ पर ये बता रहे हैं। अगर बोल रहे हैं कि इसमें आप हमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आया तो हम इफ़ वी एक्सेप्ट योर सजेशन द रिफ चेंज विल रिफ्लेक्ट इन 15 मिनट, अगर हम आपका एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोडक्ट तो 15 मिनट में ये रिफ्लेक्ट करने लगेगा आपके इन्वेंट्री में, आपके इसमें अकाउंट में। तो 15 मिनट में तो शायद 5-10 मिनट में करने लगता है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं इसे एक बार। तो देखिए यहाँ पे ये आ तो चुका है, लेकिन अभी इसमें इनकम्प्लीट है, नो इमेज अवेलेबल यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू होता है इमेज का इसके अंदर, इसलिए प्योर मैंने प्योर वाइट बैकग्राउंड डाला है इसके अंदर, इस वजह से। अगर आपने ग्रे वगैरह बैकग्राउंड रख रखा है तो अपनी इमेज के प्योर वाइट बैकग्राउंड कर लीजिए, ताकि आपके इसमें कोई भी इशू ना हो। मेरा तो यहाँ पे प्योर वाइट बैकग्राउंड है, जब भी देखिए इमेज में इशू आ गया,
एकदम परफेक्ट इमेज है, उसके बाद में यहाँ पे इशू आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इस सबको हटा देते हैं और एक बार मैं इसे प्रोडक्ट को जाऊँगा, इस पर देख लूँगा अमेज़ोन पर। देखिए यहाँ पर करंटली अनअवेलेबल आ रहा है फिलहाल। तो देखिए यहाँ पर ब्रांड जो डाली थी हमने, ब्रांड ऑनलाइन लोड स्टोर आ गई, ऑनलाइन लोड स्टोर मैन चेक स्लिम फिट शर्ट कलर साइज़ ब्लू मीडियम। और यहाँ पे सारे हमने जो बुलेट्स पॉइंट दिए थे देखिए वो आ गए, हाईलाइट हो गए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम नीचे देख लेते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हमारा ये आ चुका है नीचे, जैसे हमने डाला था। यहाँ पे फर्स्ट डेट आ गई है, यहाँ पे फर्स्ट डेट अवेलेबल 14 जून यहाँ पे 2021 का, और ASIN नंबर भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। डिपार्टमेंट मैन नेट क्वान्टिटी 1 काउंट कितनी है उसके अंदर, 1 है। तो यहाँ पे इमेजेस हमारी नहीं आई हैं, इसमें इशू देख लेते हैं इमेजेस में क्या हुआ है हमारा, हमें शायद दोबारा से इमेजेस अपडेट करनी होंगी। तो एक बार इमेजेस किस तरीके से अपडेट करनी है, अगर आपको भी इस तरीके से इमेज नहीं दिख रही है अपनी, तो यहाँ एडिट में जाना है, या आप यहाँ पर डायरेक्ट इमेज पर भी क्लिक कर सकते हो, ये जो नई इमेज अवेलेबल लिखा है, या फिर एडिट में भी जा सकते हो। मैं इमेज पर क्लिक कर लूँगा चाहे तो, ये देखिए यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट क्या करा है, देर आर करंटली नो इमेज फॉर दिस प्रोडक्ट, जबकि हमने इमेज इसमें अपलोड की थी, तो इनके प्रोडक्ट ने डिटेक्ट, इनके सिस्टम ने डिटेक्ट नहीं की, तो इसलिए हमें दोबारा से वहाँ पे इमेज डालनी होगी। तो हम दोबारा से एक बार अपलोड कर देते हैं, जबकि हमने इसमें इमेज दी थी। तो ऐसे इशू हो जाते हैं कभी कभी, सिस्टम इनका पकड़ता नहीं है, तो इसलिए हम दोबारा से इमेज डाल देंगे इसमें एक बार, उसके बाद देखते हैं शायद उसके बाद आ जाए या उसके बाद भी ना, क्योंकि कभी कभी इनका सर्वर ऐसे ही काम करता है। फ़्लिपकार्ट बहुत कम होता है ऐसा, अमेज़ोन पर ज़्यादा होता है इमेज का इशू। उसके बाद 7 फिनिश कर देंगे हम। देखिए थैंक फॉर सबमिटिंग योर चेंज, इफ़ अप्रूव चेंज विल बी रिफ्लेक्ट इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में बता रहा है कि चेंज आपका शो हो जाएगा। 15 मिनट बाद देख लेते हैं आगे, क्योंकि हमने दो बार इमेज डाल दी है, थोड़ी टाइम बाद इसे थोड़ा सा रहने देते हैं अभी इस तरीके से ही। और 15 मिनट बाद हम तकरीबन देखेंगे कि इसमें हमारी इमेज आई या फिर इमेज नहीं आई, जिसमें मैनेज इन्वेंटरी में जाएंगे अभी। अभी तो 1 मिनट भी नहीं हुआ हमें इसे अप्लाई किए हुए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 15 मिनट बाद आके देखते हैं कि ये लाइव हुआ और इसमें इमेज आई या फिर इमेज इसके अंदर अभी नहीं आई। हमने वो लिस्टिंग की थी, अब हम यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, और हमारा जो सबसे ऊपर ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमने कल किया था। ये देखिए ये रही, ये SKYDs की ये है, और ये एक्टिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए इसकी इमेजेस भी जो नहीं आ रही थी कल, वो भी कल आ चुकी थी, हमने दोबारा से अपडेट की थी उसके बाद ये आई है। तो यहाँ पर हम एक बार लिंक पर क्लिक करेंगे इसके और देख लेंगे अमेज़ोन पर। ये देखिए यहाँ पे शो करने लगा हमारा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट शो करने लगा। ये मेरी आईडी पे जिससे मैंने लिस्टिंग की है उसी पे शो कर रहा है, इस वजह से इस पर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप अपना ही प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, अमेज़ोन का ये रूल्स है। जैसे आपने एक ईमेल से अपना सेलर अकाउंट बना रखा है, और उसी से आपने अपना अमेज़ोन का बायर वाला अकाउंट बना रखा है, तो आप उससे अपना प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, ये इसमें अमेज़ोन का रूल्स हैं ये वाले। तो मैं आपको अपने दूसरे वाले अमेज़ोन के अकाउंट से दिखा देता हूँ। एक्चुअल में ये मेरा अमेज़ोन का अकाउंट है जिससे मैंने लिस्टिंग अभी की है, रेड लुक्स वाला, उस पर मैंने यूज़र परमिशन दे रखी थी। मैं मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ चुकी है, और फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर। अब ये मेरा दूसरा अकाउंट है, तो इस पर यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पर साइट में, क्योंकि ये दूसरा अकाउंट है मेरा, फर्स्ट वाला अकाउंट नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया था वो ऑनलाइन सेलर वाला अकाउंट था, ये रहा ऑनलाइन सेलर वाला। तो यहाँ से मैंने ओपन किया उसे, तो इस वजह से यहाँ से वो शो नहीं कर रहा था बाय नाउ का ऑप्शन, क्योंकि अपना ही प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेस नहीं कर सकते। ये देखिए इस पर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये आ गया। अब इस पर 6424 प्राइस क्यों आ रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने प्राइस तो यहाँ पे 749 डाले थे। हमने उस पर ऑफ़र चलाया था, आपको याद होगा, उस पर हमने ऑफ़र इस पर क्रिएट किया था 16 जून से 20 जून तक, तो ये वाले ऑफ़र के प्राइस यहाँ पे आ रहे हैं, इस वजह से ये ऐसा प्राइस शो कर रहा है। हम ऑफ़र हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडिट में जाके वो ऑफ़र हटा सकते हैं, ताकि ये प्राइस अपनी जगह ठीक हो जाए। ये रहा ऑफ़र, देखिए हमारे नीचे 699 मैंने ऑफ़र यहाँ पे स्टार्ट कर रखा है, यहाँ पे ये रहा 690 सेल प्राइस, सेल स्टार्ट कर रखी है 16 से 20 जून तक। तो आज 16 से स्टार्ट हो चुकी है, ये 4 दिन तक ही चलेगी। अगर मैं ये हटाना चाहता हूँ यहाँ से, तो हटा सकता हूँ मैं इसे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर टोटल जो आ रहा है 699 हो गया। ये ऊपर जो दिखा रहा है विदाउट GST दिखा रहा है, GST लगने के बाद यहाँ पे 699 जो मैंने प्राइस यहाँ पे ऑफ़र में डाला था, यहाँ सेल प्राइस में मैंने डाला था। अगर मैं सेल अभी एंड कर दूंगा, तो ये अभी के भी हैंड टू हैंड हट जाएगा, जैसे कि मैं आपको एंड करके एक बार दिखाई देता हूँ ये, लेकिन 15 मिनट में रिफ्लेक्ट करेगा ये। तो इसमें एक बार मैं इसे सेव कर देता हूँ और देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे थैंक यू फॉर योर सबमिटिंग चेंज, इफ अप्रूव चेंज विल बी रिफ्लेक्ट विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में ही रिफ्लेक्ट करेगा, एकदम से रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं करेगा।
749 वापस हमारे प्राइस हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने सेल स्टार्ट की थी वो सेल हमने हटा दी, लेकिन अभी ये नहीं हटेंगे एकदम से, क्योंकि उसमें 15 मिनट का टाइम इन्होंने अभी मांगा है। तो ये वाला अकाउंट मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, जिससे मैं बाय नहीं कर सकता, उस पर दूसरे वाले पर जाता हूँ मैं। ये आ गया हमारा अकाउंट, तो इस पर देखिए 699 दिखा रहा हमें टोटल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सक्सेसफुल लिस्टिंग कर सकते हैं सिंगल प्रोडक्ट की अपने। यहाँ पर मैंने आपको देखिए एक शर्ट की एग्जांपल लिस्टिंग करके दिखाई है। अगर आपके पास इसमें साइज कलर वेरिएशंस वगैरह हैं तो आप बल्क लिस्टिंग कीजिए। बल्क लिस्टिंग की आपने वीडियो देख ली होगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, बल्क लिस्टिंग की वीडियो भी है काफ़ी डिटेल में, जिस तरीके से काफ़ी डिटेल में थी वो। बल्क लिस्टिंग में आप कलर साइज वेरिएशन बनाना सीख जाएंगे, किस तरीके से आप ईजी प्रोसेस से बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। इसमें भी जो हमने वहाँ पर सेल जो हटाई है हमने, अभी वो हटी नहीं है यहाँ से सेल, 15 मिनट वो यहाँ से लेगी, एक बार और चेक कर लेते हैं कि वहाँ से वो रिमूव हो चुकी है नहीं हो चुकी है। ऑफर मांगेंगे हम यहाँ से, देखिए जो हमने सबमिट करी थी यहाँ सबमिट हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे अभी वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि 10 से 15 मिनट इन्होंने जो हमसे इस चीज़ के लिए मांगे हैं, तो वो हो जाएगी 10 से 15 मिनट में। तो हम इसे अभी, मैं इस लिस्टिंग को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको डेमो के लिए कर दिया है। ये एक्चुअल में जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये ब्लेज़र है मेरा, देखिए यहाँ पर वेरिएशंस मैंने अलग अलग क्रिएट कर रखी हैं ब्लेज़र के ऊपर। मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट ये है, ये मैंने अभी इनएक्टिव कर रखा है, आउट ऑफ स्टॉक कर रखा है। देखिए यहाँ पर अवेलेबल सब में मैंने 00 कर रखे हैं, मैंने अकाउंट भी इनएक्टिव कर रखा था, लेकिन ये मैंने अकाउंट वापस से एक्टिव किया आपको ये लिस्टिंग करके दिखाने के लिए, डेमो की लिस्टिंग आपको डिटेल में। इस वजह से मैंने अकाउंट एक्टिव किया यहाँ पे, देखिए ये, और बाकी मेरी सारी लिस्टिंग में ना आउट ऑफ स्टॉक कर रखी है यहाँ पे। टोटल ग्रोल देखिए यहाँ पे सरप्राइज एंड इनएक्टिव प्रोडक्ट 193 जितने प्रोडक्ट हैं मैंने सब वो कर रखे हैं। तो उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे इसके अंदर इस पर अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट की सिंगल लिस्टिंग करना। इस पर अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी दो तीन मिनट ही हुए हैं, वो 15 मिनट में या फिर आधे घंटे में रिफ्लेक्ट करने लगेगा जब वहाँ से प्राइस हट चुके हैं। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इसमें, आपने इसमें जब लगाया नहीं था, इसमें अपना सेल ऑफर स्टार्ट नहीं किया था आपने, तो आप ऐड करना चाहते हैं, आप इस तरीके से सेल लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं वाली सेल। यहाँ से आके आप ऑफ़र में आके और यहाँ पे अपने सेल स्टार्ट डेट और सेल एंड डेट, और यहाँ पे कितना रुपए आप सेल प्राइस रखना चाहते हैं, आप 749 में सेल करना चाहते हैं, आप सेल प्राइस 500 यहाँ पे देना चाहते हैं, तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। 10-15 मिनट में जैसे वो कैच कर लगेंगे सिस्टम, तो वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा वेबसाइट पर, क्योंकि एकदम से रिफ्लेक्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पे 3-4 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये प्राइस वहाँ पे 749 नहीं हुआ, लेकिन ये हो जाएंगे प्राइस। बाकी हमारी लिस्टिंग देखिए, जो हमने चीज़ें डाली थी यहाँ पे, ब्रांड ऑनलाइन लूट स्टोर हमने सेलेक्ट करा था, आ चुकी है हमने टाइटल जो डाला था, देखिए पूरा टाइटल आ चुका है यहाँ पे, ऑनलाइन लूट स्टोर मैंस चेक स्लिम फिट कैजुअल शर्ट कलर ब्लू साइज मीडियम। उसके बाद हमने यहाँ पे MRP 999 दी थी यहाँ पे, और ये सेल प्राइस हमने दिए थे। और यहाँ पे इसके बाद हम आ जाएंगे, हमने बुलेट पॉइंट्स दिए थे जो मैंने आपको बताया था, ये हाईलाइट रहते हैं वेबसाइट पे, देखिए यहाँ पे हाईलाइट आ चुका है जिस तरीके से हमने दिए थे। केयर इंस्ट्रक्शन मशीन वॉश फिट टाइप स्लिम फिट, और नीचे हम आ जाएंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन दिया था यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे इमेजेस भी सारी की सारी ठीक ठीक आ चुकी हैं, ये देखिए प्योर वाइट बैकग्राउंड में मैंने इमेज दी थी, और प्योर वाइट बैकग्राउंड में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दीजिए, अगर आप ग्रे में देंगे तो ज़्यादा ग्रे में मत दीजिए, हल्के डार्क ग्रे में दीजिए, मतलब डार्क ग्रे में नहीं, हल्के जो लाइट ग्रे आता है उस तरीके का आप दीजिए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्योर वाइट बैकग्राउंड रखें, जो आपको बिल्कुल भी इशू ना हो, क्योंकि देखिए मैंने वाइट बिल्कुल इमेज दी थी, उसके बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा इशू आया था। तो आप इस तरीके से इस पर अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं अमेजोन पर सिंगल प्रोडक्ट की। यहाँ पे देखिए हमारे प्राइस भी आ चुके हैं 749, 5 मिनट में अपडेट हो चुके हैं। एक बार से मैं आपको दोबारा से खोल के दिखा देता हूँ, सेल जो हमने वहाँ से हटाई थी वो हट चुकी है, हमारे प्राइस जो हो चुके हैं यहाँ पे 749 हो चुके हैं हमारे प्राइस यहाँ पे, अब 25% ऑफ हो गया है, वहाँ पे 699 रहता है, सेल मैंने हटा दी। वैसे बाय नाउ का ऑप्शन ही आ गया, या फिर ऐड टू कार्ट में आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी लिस्टिंग पर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे देखिए यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपका, इसके अलावा आपका ऑप्शन आ रहा है सी ऑल बाइंग ऑप्शन, तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है कि मेरे इसमें बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है या मेरे प्राइस नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो एक वजह होती है उसकी, मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या रीज़न होता है। आपने शायद मेरी बाय बॉक्स वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए। देखिए बाय बॉक्स जो है यहाँ पे, ये एक बाय बॉक्स नए सेलरों को बिल्कुल नहीं मिलता, मतलब बहुत से कम सेलरों को मिल जाता है जो ज़्यादा लिस्टिंग करते हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग में एकदम न्यू लिस्टिंग करेंगे तो शायद आपकी इस पर लिस्टिंग पर बाय नाउ का ऑप्शन ना आए। बाय बॉक्स का मतलब होता है, बाय बॉक्स जो है बाय नाउ, मतलब ये बाय बॉक्स हो गया, ये बॉक्स एनेबल नहीं हुआ, तो कस्टमर परचेस कैसे करेगा जब ये आपका एनेबल नहीं हुआ आपकी लिस्टिंग पर। कस्टमर इस तरीके से परचेस करेगा सी ऑल बाइंग ऑप्शन का
आपकी लिस्टिंग पे ऑप्शन आ रहा होगा, जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसे वहाँ पर प्राइस दिख जाएंगे और ऐड टू कार्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, ऐड टू कार्ड में करके वहाँ से प्रोसेस कर सकता है वो खरीदने के लिए आपका प्रोडक्ट। लेकिन डायरेक्ट यहाँ से बाय नाउ का ऑप्शन उसे नहीं मिल रहा, थोड़ा मतलब लेंथी प्रोसेस हो गया वाला, क्योंकि उस पर आपको बाय बॉक्स का ऑप्शन नहीं मिला, बाय बॉक्स आपको नहीं मिला हुआ। और बाय बॉक्स किस तरीके से मिलता है आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टिंग कीजिए, अदर प्राइस अदर सेलर जो है आपके उनसे प्राइस थोड़े अपने कम रखिए, और इमेजेस वगैरह आप अपनी प्रॉपर दीजिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ डिस्क्रिप्शन ठीक दीजिए, तो आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा। देखिए मेरे 3 महीने से अकाउंट बंद है, इस पर कोई सेल नहीं हुई है 3 महीने, तो कोई भी काम नहीं हुआ, कोविड यहाँ पर चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो अब वापस रिस्टार्ट करेंगे बिजनेस। तो उसके बावजूद भी देखिए मेरा बाय बॉक्स अभी तक यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर बाय बॉक्स मिल रहा है, तो ऐसी बात नहीं, बाय बॉक्स आपको भी मिल सकता है। और अगर ये जाता आता रहता है तो इस पर आप कन्फ्यूज़ मत होना कि इसमें मेरा बाय बॉक्स क्यों नहीं आया, इसके ऊपर लिस्टिंग मैंने इनकम्प्लीट कर दी, कुछ गलत कर दिया, कुछ गलत नहीं करा, वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि इसमें सिंगल लिस्टिंग किस तरीके से कर, अगर आपको बल्क लिस्टिंग करनी है कलर साइज वेरिएशन में, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं।